में विस्फोटक माहौल, सभी लोग सुल्तान का इंतजार करते हो। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश जानलेवा है और इससे कोविड-19 का खतरा भी कई गुना बढ़ सकता है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1-800-11-2356। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. फ्रेंड्स, तो थंबनेल से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कौन सी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। या दोस्तों बता दें, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की करियर की मच अवेटेड फिल्म, जिसका नाम है सुल्तान। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, इस फिल्म में काम करने वाले मुख्य स्टार कास्ट को कितने पैसे दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों, हम बतलाएंगे इस फिल्म ने साल 2016 में इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे कितने कमाई किया था, और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मूवी की धमाकेदार रिव्यू भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सुल्तान फिल्म के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें फ्रेंड्स, इस फिल्म को 6 जुलाई 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों, बात कर ले फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान फिल्म को बनाने में 90 करोड़ रूपए खर्च हुए थे। इसके अलावा इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया था, और ये फिल्म साल 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। इसके अलावा दोस्तों, बात कर ले सुल्तान फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान के साथ अनुष्का शर्मा अभिनय करते हुए नजर आई थी, और सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो रणदीप हुड्डा भी इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो अली अब्बास जाफर सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया। इसी के साथ साथ दोस्तों, फिल्म के राइटर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी अली अब्बास जाफर और इरशाद कामिल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे है। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो आदित्य चोपड़ा सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और फिल्म के साउंड एडिट के बारे में हम बात कर ले तो जूलियस पैकियम सर ने और विशाल शेखर ने फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को तैयार किया था। एक साथ साथ दोस्तों, इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो बता दे दोस्तों, इस फिल्म को यशराज फिल्म के बैनर के तहत बनाया गया था। और दोस्तों, आप लोग को पता है यशराज के बैनर के तहत बनने वाली कोई भी फिल्म आपको यूट्यूब पर फ्री में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये फिल्म भी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ साथ दोस्तों, आपको बता दे, अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको वेबसाइट पे ये मूवी देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों आपको वापस सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, सुल्तान फिल्म साल 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है। इसका निर्देशन अली अब्बास जाफर सर ने किया है। यशराज फिल्म के बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया गया। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा सर ने। फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किए हैं। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी सुल्तान अली खान एक काल्पनिक जो है पहलवान के गाँव में और हरियाणा के पूर्व विश्व कुश्ती चैंपियन पर केंद्रित है। इनके सफल करियर ने उनके निजी जीवन में दरार पैदा कर दिया था, इसी चीज को पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। ये तो आप लोग को पता है, इस फिल्म को 6 जुलाई 2016 को
दुनिया भर में रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया। इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 93 मिलियन की कमाई की और ये फिल्म अब तक की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। दोस्तों, इस परियोजना की घोषणा सबसे पहले जून 2015 में यूट्यूब पर जारी किए गए टीजर के साथ की गई थी। सलमान खान फिल्म में हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म की तैयारी के लिए खान ने लॉर्नेल स्टोलोन के मार्गदर्शन में कुश्ती प्रशिक्षण लिया था। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अभिनेता सिल्वेस्टर स्टोलोन को खान के ऑन स्क्रीन कोच के रूप में फिल्म में लिए जाने की खबरें सामने आई थी। हालांकि फिल्म के कार्यकारी निर्माता राजा मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि स्टोलोन ने फिल्म में अभिनय नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त को सलमान खान के आग्रह के अनुसार कोच की भूमिका निभाने की अफवाह उड़ाई गई थी। हालांकि सलमान खान ने बाद में बताया कि उन्होंने दत्त की भूमिका के लिए आदित्य चोपड़ा पर कभी भी जोर नहीं डाला था। दिसंबर 2015 में रणदीप हुड्डा को बाद में फिल्म में सलमान खान के कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन कर लिया गया था। काईपोचे के अमित साजे परिचित कथित तौर पर युवा सुल्तान की भूमिका निभाने के लिए साइन किए गए थे। हालांकि मार्च 2016 में उन्होंने पुष्टि की कि वह सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका निभा रहे हैं और एमएमए के साजे सेनानी टायरोन के साजे बुडली को फिल्म में अन्य जो सेनानियों के साथ सलमान खान के साथ अनुबंधित किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को सलमान खान के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए शर्मा ने फिल्म के लिए कुश्ती की शिक्षाएं ली थी। फरवरी 2016 में बॉस्को सीजर के लिए बॉस्को सीजर और वैभवी मर्चेंट की जगह फिल्म में कोरियोग्राफ के रूप में साइन किए गए थे, जिन्होंने व्यक्तिगत जो है प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म को उन्होंने छोड़ दिया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, फिल्म का प्री प्रोडक्शन अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था, जहां सलमान खान ने फेसबुक पर फिल्म में अपने चरित्र की एक तस्वीर पोस्ट की थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एनडीए स्टूडियो करजत और जेडब्ल्यू और मैरियटन के साथ मुंबई में शुरू हुई, जहां फिल्म का पहला शेड्यूल फिल्माया गया था। वहीं पे पहले शेड्यूल का फिल्मांकन दिसंबर 2015 के अंत में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल का फिल्मांकन जनवरी 2016 में शुरू किया गया था, जहां सलमान खान ने एक्शन दृश्यों के लिए फिल्मांकन जारी किया था। मार्च 2016 की शुरुआत में एक गाना फिल्माया गया था। ठीक सा दोस्तों बता दे, मार्च 2016 की शुरुआत में एक गाना फिल्माया गया था, जिसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। कथित तौर पर खान और शर्मा के बीच एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। फिल्म के कुछ सीक्वेंस में दिल्ली की 360 साल पुरानी जमा मस्जिद को दिखाया गया था। अप्रैल 2016 के अंत में मुख्य अभिनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शूटिंग के एक हिस्से के रूप में स्कूटर की सवारी करते हुए देखा गया था। यहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। ज्यादा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी मूवी की फुल हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बताएंगे ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिलेगी, मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म की कहानी क्या है। दोस्तों, अगर आप इस सुल्तान फिल्म के बारे में कुछ अननोन फैक्ट को जानना चाहते हैं या फिर इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सुल्तान मूवी की, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आए हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो इस फिल्म को 6 जुलाई 2016 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। दोस्तों, बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सुल्तान फिल्म को 145 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये मूवी 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म थी। बात करें इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे। सुल्तान फिल्म की घोषणा सबसे पहले 2015 में यूट्यूब पर जारी किए गए थे। एक टीजर इसका सबसे पहले रिलीज किया गया था और फिल्म के टीजर के साथ इस मूवी की घोषणा की गई थी। फिल्म में सलमान खान दिखाई दे रहे थे और फिल्म में हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका सलमान खान इस फिल्म में निभाए हुए है। अरे दोस्तों, सलमान खान ने सुल्तान फिल्म के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा चेंजेस किया था, क्योंकि फिल्म की तैयारी के लिए सलमान खान ने स्टोल के मार्गदर्शन में कुश्ती प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। अब अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अभिनेता साथी सिल्वेस्टर और साथी स्केलेटन को भी फिल्म में खान के ऑन स्क्रीन कोच के रूप में कास्ट किए जाने की खबरें मिली थी, क्योंकि हालांकि फिल्म के कार्यकारी निर्माता राजा मुखर्जी ने साफ यहां पे किया था कि उन्होंने फिल्म में अभिनय नहीं करेंगे और बाद में संजय दत्त को सलमान खान के आग्रह के अनुसार जो है कोच की भूमिका निभाने की अफवाह उड़ाई गई थी। हालांकि बाद में सलमान खान ने
बताया था कि उन्होंने कभी भी संजय दत्त की भूमिका के लिए यानी कि आदित्य चोपड़ा पर जोर नहीं दिया था। दोस्तों अब दिसंबर 2015 में रणदीप हुड्डा को बाद में फिल्म में सलमान खान के कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। अब इसी तरह काई पोचे के अमित साथ के कथित तौर पर प्रसिद्ध को और इस फिल्म के लिए युवा एलसाती सुल्तान मूवी की भूमिका के लिए साइन किया गया था। बता दें दोस्तों इस फिल्म के लिए मार्च 2016 में उन्होंने पुष्टि किया था कि वह सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका फिल्म में निभा रहे हैं, जबकि MAA के साथ जो है इनके फाइटर टायरन एंड साथी बुडली को फिल्म में अन्य यानी कि सेनानियों के साथ जो है सलमान खान के साथ और साइन किया गया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इस मूवी की सबसे बड़ी खबर तब आई थी जब जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को सलमान खान के साथ महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, क्योंकि एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए शर्मा ने फिल्म के लिए कुश्ती की शिक्षा ली और क्योंकि फरवरी 2016 में बास्को सीजर को फिल्म के कोरियोग्राफर के रूप में साइन किया गया था, क्योंकि साथी बैफी और साथी मर्चेट की जगह जिन्होंने व्यक्तिगत और साथी पढ़ते बर्ताव के कारण जो फिल्म में छोड़ दी थी। दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम सुल्तान मूवी की एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अली अब्बास जाफर सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी भी अली अब्बास जाफर सर ने ही लिखे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो आदित्य चोपड़ा सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है और फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट है सलमान खान एंड अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए हैं। बात करें सलमान खान के करेक्टर के बारे में तो इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रूप में सलमान खान नजर आए हैं। अनुष्का शर्मा इस फिल्म में आरफा अली खान के रूप में नजर आई है। रणदीप हुड्डा इस फिल्म में फतेह सिंह के रूप में नजर आए हुए हैं। अमित सादा इस फिल्म में आकाश ओबराय के रूप में फिल्म में काम किए हैं। सुल्तान फिल्म के लिए सबसे पहले पीट प्रोडक्शन का काम जो अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था, क्योंकि जहां पे सलमान खान ने फिल्म में अपने चरित्र की एक तस्वीर जो है फेसबुक पर पोस्ट की थी, वहीं पे फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एनडी स्टूडियो कर्जत के ऊपर बनाई गई थी और बता दें दोस्तों यानी कि जेट बुल्लू और साथ ही मेरिडन के साथ मुंबई में शुरू हुई थी, जहाँ पे फिल्म का पहला शेड्यूल फिल्माया गया था और पहले शेड्यूल का फिल्मांकन दिसंबर 2015 के अंत में पूरा किया गया था। इस फिल्म के दूसरे शेड्यूल का फिल्मांकन जनवरी 2016 में शुरू किया गया था, जहां पे सलमान खान ने एक्शन दृश्यों के लिए फिल्माया था और वहीं पे मार्च 2016 की शुरुआत में एक गाना फिल्माया गया था जिसे जो है फराह खान ने कोरियोग्राफ भी किया था। बता दें दोस्तों फिल्म के लिए कथित तौर पर सलमान खान और अनुष्का शर्मा के बीच एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था और फिल्म के कुछ जो है सीक्वेंस में दिल्ली की 360 साल जो है पुरानी जामा मस्जिद को दिखाई गई थी और अप्रैल 2016 के अंत में मुख्य अभिनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में एंड शूटिंग के लिए एक हिस्से के रूप में यानी कि स्कूटर की सवारी करते हुए फिल्म में लिया गया था इस सीन को। अब फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में लगभग 206 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुल्तान फिल्म के अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने 3 दिनों में 206 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और यह पहली भारतीय फिल्म बन गई थी जिसने अपने 2-3 दिनों में इतने ज़्यादा कमाई किए थे। इसने अपने यानी कि 45 दिनों में शुरुआती हफ्ता में लगभग जो है 328 करोड़ की कमाई की थी और 3 अगस्त 2016 तक इस फिल्म ने भारत में 416 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई किया था और विदेशों के बारे में हम बात करते फिल्म ने 24 मिलियन डॉलर की कमाई की और अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। दोस्तों फिल्म ने चीन में रिलीज होने से पहले फिल्म की दुनिया भर में कमाई 589.25 करोड़ थी, जिसमें जो है भारत में 421.25 करोड़ था और विदेशों में फिल्म ने 168 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह फिल्म को 9 सितंबर 2018 तक चीन में रिलीज के बाद जो फिल्म ने दुनिया भर में 623.33 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 93 मिलियन की कमाई इस फिल्म ने किया। सुल्तान फिल्म ने अग्रिम बुकिंग के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि अपने रिलीज के दिन सुल्तान फिल्म को औसत से 70% दर्शक मिले थे और लगभग जो है 36.54 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की थी और अपने दूसरे हफ्ते के अंत तक फिल्म ने अनुमानित जो है 278 करोड़ की कमाई कर ली थी और इसका अंतिम घरेलू सकल संग्रह 421.25 करोड़ तक हो गया था। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सुल्तान फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म जैसे आप लोग को पता है 24 जुलाई 2016 तक फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में अनुमानित जो है 39.69 करोड़ तक कमाई कर लिया था। ये मूवी संयुक्त अरब इमारात और खाड़ी यानी कि सहयोग परिषद में 52.94 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और फिल्म ने यूनाइटेड किंगडम में 14.7 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। फिल्म ऑस्ट्रेलिया में 6.65 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह सारे कलेक्शन हम मिला दें
या ओवरसीज कलेक्शन, तो यहाँ पे 30 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की थी और फिल्म ने पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रों में 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। यूनाइटेड किंगडम में ये मूवी 1 मिलियन से अधिक के साझुए खुला और वर्ष के अंत तक जो है इनकी सकल संग्रह इस फिल्म का 1.8 मिलियन यूरो में था। इससे जो यह फिल्म 2016 की यूके दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली विदेशी भाषा की फिल्म बन गई थी। बता दें दोस्तों मूवी दंगल के नीचे और 17 जुलाई 2016 तक इस फिल्म ने साथ ही न्यूजीलैंड में 2.93 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और फिल्म ने मलेशिया में 1.9 करोड़ का संग्रह किया था और मूवी 10 जुलाई 2016 तक इस फिल्म ने साथ ही जर्मन में 33 लाख रुपए से अधिक की कमाई किए थे और जिसने तीसरे हफ्ते के अंत में फिल्म ने सुल्तान की कुल विदेशी कमाई लगभग जो है 22.57 मिलियन से अधिक बतलाया गया था। दोस्तों सुल्तान मूवी ने 3 अगस्त 2016 तक सुल्तान ने विदेशों में 24.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया था यूएस डॉलर में। इसी तरह फिल्म ने 161 करोड़ की कमाई की थी जिससे यह विदेशी बाजारों में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसकी चीन में रिलीज से पहले ही इसकी विदेशी कमाई 180 करोड़ हो गई थी और चीन में जहां फिल्म ने 31 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी इस फिल्म ने 16 सितंबर 2018 तक 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर लिया था जिसने जो है 9 सितंबर 2018 को समाप्त भी हो गया था और इसी के दौरान ये मूवी जो यानी कि अब एक हफ्ता ही इसके बीच जो है चीन बॉक्स ऑफिस पे 8 पर फिल्म जो है इनकी 7वें नंबर पर पहुंच गई थी और ये मूवी 9 सितंबर 2018 तो फिल्म ने विदेशों में 29.82 मिलियन की कमाई किया था। दोस्तों इस फिल्म पर आधारित जो है एक यानी कि आधिकारिक गेम जो कि 99 गेम द्वारा एंड्रॉयड एंड मोबाइल फ़ोन के लिए जारी भी किया गया था। दोस्तों फिल्म को 6 जुलाई 2016 को फिल्म की डिजिटल यानी कि कॉपी जो है यानी कि डार्कनेट में उपलब्ध होने की सूचना मिली थी और इस बात की पुष्टि करते हुए कि निर्माताओं द्वारा साथ ही CBSP बोर्ड को समीक्षा के लिए भेजे गए थे इन साथ ही नमूने से प्रति लीक बनाई गई थी कि लीक की यानी कि जाँच कर रहे थे और साइबर अपराध जो है इनके विशेषज्ञों ने कहा था कि उनके साथ रिसाव की पुष्टि हो गई है और फिल्म की प्रति यानी कि उनके साझे डार्क नेट पर उपलब्ध है। बता दें दोस्तों और जल्द ही यानी कि यह मूवी होगी कि टोरेंट और साथ ही यानी कि टोरेंट पर उपलब्ध है। हालांकि फिल्म के निर्माता यशराज फिल्म ने इस तरह के विकास से इनकार कर दिया था और एक निजी यानी कि अनुवेश के साझ यानी कि किस लय चौधरी ने दावा किया था कि यह फिल्म 2 घंटे और 36 मिनट लंबी फिल्म के लिए एक उपलब्ध है और उनके साथ जो है मेल टूडे के साथ जो है यानी कि उसका और स्क्रीनशॉट जो है साझा किया गया था और सुल्तान फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ ने ये कहा था कि जितने भी वेबसाइट पे इस फिल्म की लीक है वहां से इन सभी को हटा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सुल्तान मूवी की हिस्टोरी के बारे में और जानते हैं फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस फिल्म की कहानी को जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सुल्तान मूवी की कहानी स्टार्ट होती है सुल्तान अली खान से जो एक मध्यम आयु वर्ग के स्थानीय पहलवान इंसान है और पूर्व कुश्ती चैंपियनशिप में रहते हैं जो कि हरियाणा के एक छोटे से शहर में रेवाड़ी में उनका एक जो है कि एकांत जीवन जी रहे होते हैं। बता दें दोस्तों श्री पटेल द्वारा समर्थित की गई एक निजी मिश्रित जो है मार्शल आर्ट लीग के संस्थापक जो है आपका और साथ ही ओबरॉय को उनके पिता द्वारा जो है सुल्तान की लोकप्रियता को बचाने के लिए भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और हरियाणा की एक यात्रा करने के बाद वह सुल्तान को भर्ती का प्रस्ताव देते हैं जो कि स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह कुश्ती से पूरी तरह से यानी कि सेवानिवृत्त हो गए हैं और अपनी जो है कि सेवानिवृत्त के पीछे के कारण की तलाश में आकाश का यानी कि आकाश सुल्तान ने करीबी दोस्त यानी कि गोविंदा का सामना करने के लिए कहा जो कि बताते हैं कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ था। अब सुल्तान की करियर को बताया जाता है फिल्म एक बार फ्लैशबैक में चला जाता है। 2008 में सुल्तान को एक राज्य और साथ ही स्तरीय पहलवान और एक स्थानीय कुश्ती कोच की बेटी जो है कि आरफा हुसैन से प्यार हो गया था। हालांकि वह शुरू में उसके प्रति यानी कि ठंडी हो जाते हैं। 8 साल पहले की कहानी को फिल्म के अंदर बताया जाता है। आरफा हुसैन से सलमान खान प्यार करने लग जाते हैं, उसके प्रति ठंडे भी हो जाती है, लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। बता दें दोस्तों जब वह दावा करती है कि वह प्रतिबंध होते हैं तो वह उसका यानी कि अपमान करती है और कहती है कि वह केवल एक यानी कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और पहलवान से शादी करेगी। अपना यानी कि सामना जीतने के लिए दृढ़ और साथी संकल्प सुल्तान खुद को गहन इंसाती प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है और अंततः एक राज्य इंसाती स्तरीय कुश्ती के साझे टूर्नामेंट जीतते हैं। साथ ही साथ यानी कि आरफा भी दोनों शादी कर लेते हैं और विभिन्न यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मान्यता प्राप्त यानी कि पहलवान बन जाते हैं।
जब दोनों को लोकप्रियता दल के लिए चुना जाता है तो आरफा को पता चलता है कि वह यानी गर्भवती है। वह भारत के लिए और साथ ही ओलंपिक जो यानी स्वर्ण पदक जीतने के अपने बचपन के सपने को छोड़ देती है। इसे जो है सुल्तान तब पूरा करता है। उसे आश्चर्य होता है कि सुल्तान की उपलब्धि उसे जो है घमंडी बना देता है और वह एक यानी कार्यक्रम में एक रिपोर्ट को थप्पड़ मार देती है, एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वह तुर्की में साथी एस्वर्ट जीतने के लिए आरफा को उसके जो है नियम उसकी नियत तारीख के करीब जो है इनकी छोड़ देता है। वहाँ से लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके जो है इनकी नवजात बेटे की गंभीर इंसानी रक्तपालता के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। बच्चे के पास एक यानी दुर्लभ ओ के साथ जो है रक्त प्रकार था जो कि सुल्तान के सामना करना पड़ रहा था, जिसकी जो है इनकी अनुपस्थिति ने बच्चे को यानी कि डाटा से और साथ ही वंचित कर दिया था। और गुस्से में आरफा सुल्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है और अपनी पत्नी और बच्चों को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का यानी कि ब्लड और साथ ही बैंक खोलने के लिए धन जुटाता है जहाँ पे उसके बच्चे जी सके और जितने भी उस तरह के बच्चे हैं उनको दवा मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों सलमान खान की कहानी कुछ इस तरह से इस फिल्म में बतलाई गई है। फ्रेंड इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सुल्तान। दोस्तों अगर आप लोग सुल्तान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बतलाइएगा। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं। बता दें दोस्तों, आज के समय में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के पुरस्कार शबी बोल्ट के साथ जो है बैंक खोलने के उसके सपने को पूरा करेगी। सुल्तान वहाँ से भाग लेने के लिए उस हिस्सा में भाग लेने के लिए सहमत हो जाते हैं और दिल्ली में साथी प्रशिक्षण के लिए यात्रा भी करना शुरू कर देते हैं, जहां पे आकाश उसे जो है कि एमएमए को कोच कहते हुए और फतेह सिंह के साथ जो है इनकी मिलवाते हैं, जो शुरू में उसे मना कर दिया है कोचिंग करने के लिए, लेकिन उसकी यानी कि दृढ़ एंड संकल्प को देखने के बाद जो है सहमत हो जाते हैं। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद जो है सुल्तान अपनी काया को वापस पा लेता है और उसके साथ सीखता है कि उनके साथ जो इनकी फ्री स्टाइल में कुश्ती कैसे की जाती है। और अपनी पहली यानी कि लाइन में सुल्तान ने अपनी जो है इनकी प्रतिष्ठित कुश्ती शैली का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को हरा दिया था और वह जल्दी मोची की यानी कि एक श्रृंखला और साथ ही जीतकर और इसी प्रक्रिया में आरफा का समर्थन यानी कि हासिल करते हुए दिखाई दिए थे और एक राष्ट्रीय व्यापी यानी कि सनसनीखेज बन जाती है। सलमान खान इस फिल्म में एक मुकाबला जीतने के बाद प्रतिद्वंदी टायरन एंड बुडली के खिलाफ जो है यानी कि सेमीफाइनल के दौर के दौरान जो है सुल्तान और साथ ही लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताया जाता है कि सुल्तान को दोबारा युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं यानी कि ऐसा करने से इनकी जान न चली जाए, उसकी चोट जो है इनकी घातक हो जाएगी। और आरफा यानी कि बोर्ड में आती है और उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। बता दें दोस्तों, सेमीफाइनल मैच के दौरान जो है सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपने जो है दर्द पर काबू पा लेता है और अंत में टूर्नामेंट जीत जाता है और अपनी पत्नी के साथ फिर से सुल्तानपुर यानी कि चला जाता है। इसी के साथ सुल्तान को पुरस्कार दिए जाते हैं उपयोग करके यानी कि ब्लड बैंक खोलता है और आरफा कुश्ती शुरू करती है। कुछ साल बाद वह एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसे सुल्तान पहलवान के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। तो दोस्तों ये है सुल्तान फिल्म की कहानी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप सुल्तान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। सुल्तान फिल्म वॉज द रिलीज ऑन वर्ल्ड वाइड ऑन 6 जुलाई 2016। इट इज़ द हेज ग्रोस द 623 करोड़ इन द यूएसए कन्वर्ट टू द 93 मिलियन वर्ल्ड वाइड क्लोज। सुल्तान अली खान इज द मिडिल एन एज द लोकल एन वरिस्टर एंड इज द एन वरिस्टिंग द एन कॉम्पियन एंड द चैंपियनशिप लिविंग द एन लोनली एन लाइफ इन द स्मॉल टू द ऑफ द एन रोवरी इन हरियाणा इन द हरियाणा आकाश ओफ्रे टू द एन फाउंडर द ऑफ द एन प्राइवेट मिक्सिड द एन मटेरियल आर द एन लिक्विड एन बिकेट बाय द मिस्टर पटेल एंड द इको नॉरिश बाय द एन फादर टू द एन रिकल द सुल्तान टू बी एन सेल्वेज इट इज द एंड पॉपुलरिटी आफ्टर द एन ट्रेवलिंग टू बी एन हरियाणा ही द एन गिव द एन द रिक्रूटमेंट ऑफिसर टू बी सुल्तान हु द एंड ऑन द ही ब्रेटनी एन रिफर टू द एन साइज टू बी ही द एन कम्प्लीटली एन रिटायर्ड फ्रॉम द एन वरिस्टेड द एन सर्च ऑफ द एन रीजन द बेहन ही the end retirement the Akash and confirmed the Sultan is the end close friend Govind
क्लोज फ्रेंड गोबिन हुदा एंड नरेटेड द हाउ इज द सुल्तान इज द करियर बिगेन इन द दिस टाइम एंड करियर बिगेन इन 2008 द एन सुल्तान फेल इन लव विद द एन साइड ऑफ द आरफा हुसैन एज द स्टेल लेवल द एन वरेस्टर एंड डॉटर ऑफ द एन लोकल द एन वरेस्टिंग द कोच एंड अल्थाउ हिज द एन सी इंटीरियरली कोल्ड द एन टोन ऑफ हिज द एन एक्सेप्ट सुल्तान हिज द फ्रेंड व्हेन ही द एन क्लाइम टू एन एरी द एन कमिटेड द सी हिज द इंसल्ट हिम द एन सेइंग सो वर्ल्ड बी वर्ल्डली मेरी will be and turned the and arrested the and determined to be win the and respect sultan the and dedicated the himself to be and enters the and training to be and ultimately wins in sultan the and level the and arresting the and tournament the all the will arifa the to get the and merit the and because the and recognize the and arrested the and represent the india is the in various international games win the into are the and selected from the and olympic the and conto and the conto is in the arfa and discover the and pregnant in the pregnancy the and give up the hair the childhood dream of the and winning an olympic the and gold medal for the india with the sultan then the and full time to hear the and surprise sultan is the and acclamation making he the and orge in the and arokin he is the slap the and reported to be an event the also the and level the and arfa and nearing here the do you dare to be win the gold at the and turkey open the returning is the fine to be hit the and newborn son had the and bad do you to his the and sever the and anemia the body had the and rear the o blood tribe is the and identical to be sultan hit the and who is the and at sense is the and deprived to be chill of the endo hit the denote the and angrace to be an arfa and decide to be and leave the sultan the and decide to be with the and father and depressed to be and from the and lodging hit the wife is the soul and the chill sultan the and is found to be an open a blog open a and the blood bank of the his the surname is the son Sultan in the present day the in Akash the in promise Sultan thread the and tournament in prize money will be and fulfill his the and dream of the in opening to and blood bank Sultan the agreed to be and participated and the and travel to be entered in Delhi where the Akash introduced the to him to MMA and coach the and Fateh Singh with the entirely and refused to be him but the and agree after the and saying his the and determination after 2 months of the intent to be Sultan the and regained to his the and Faisuki his the learning how to and arrested the and in free style in his the and frost fight the sultan and defeated to be an opening to and using his the and iconic use the and oriental style he is the son and become his the and neat white to be an sensation of the winning his the and series of the major and his the gain in arfa in support in the end process with the end during to be and semi final round of the again and opening to be tied to the widely and sultan wish to be and fight is the and severial injured to be and in the hospitalized is the and doctor the in from to be Akash hit the sultan and soul of the fight again and last hit the in journalist to be in become the in for and the in fatal arfa is the in arrived to be what and the and motivated to his the and continue the fight his the enduring to final match is the sultan the and overcome his the and pain to be in defect to be is the opening to and ultimately win the end tournament the end reunited with the wife the sultan opened the and blood bank using the and prize money and arfa the resume the and wrestling to be a few years later give the and birth to be in baby girl with the sultan and begin to be entered as the and wrestler is the movie sultan movie is the october 2015 third the and report of the american actor the and silverstar stone is the began cast in the movie film as the salman khan on screen the coach however the and raja mukherjee the expect to be in producer of the film and clear that the and Estlon will be not be acting in the film and later the Sanjay the Swas the and remote to be play the role of the and coach the and according to be Salman Khan is the instead to be however Salman Khan and later the and reported to be and never the and instead to be Aditya Chopra for the and Sanjay the of the movie In December 2015, Randeep Hooda was the and later the signed to be played the Salman Khan coach of the movie.
द फिल्म इज द अमीर साथ ऑफ द किया पोची इज द फेम वॉज द एंड रिपोर्टेड द इंसिग्नेट फॉर द रोल ऑफ द यंग सुल्तान हाउएवर इन मार्च 2016 ही द कन्फर्म टू बी इज द एंड प्लेइंग द रोल ऑफ द सलमान खान इज द यंग ब्रोदर एन एमएमए फाइटर द एंट्रिंग इन द ट्राइंग टू वर्ल्ड हिज द एंड बिगिन टू बी सिग्नेट द एंड ऑपोजिट सलमान खान विद द In other fight in the movie film. In January 2016, Anushka Sharma was the signed to play the film hit the lead role and opposite the Salman Khan. For her, the role is the investor and Sharma took the investing to be and listen for the film. In the February 2016, Basco and Kishore were the and signed to be and choreographer of the film and replaced the and by V and Machandi who the and left the film due to the and personal and commitment. The pre-production of the film started on October 2015 where the Salman Khan and posted to the and photo his the and the character the in on the Facebook and principal photographer of the film and started in the December 2015 and the ND studio the and Karchat with the NGW and Marriott of the Mumbai where the film is the and first the schedule was the filming of the first in schedule had the and completely in the late and December 2015 and the filming of the and second schedule was the and started in the January 2016 where the and Salman Khan where the Salman Khan and filmed from the and action sequence and song of the and was the and filmed in the early March 2016 the and the choreographer by the Farha and Farha Khan and action sequence the and between Salman Khan and Anushka Sharma was the and reportedly filmed the and song of the and sequence of the movie will be in future the 360 years old the Jama Masjid of the Delhi in late the April 2016 the lead actor Salman Khan was the seen and right of the N scooter at the end part of the shooting in the Muzaffarnagar. दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अनुष्का शर्मा की ब्लॉकबस्टर मूवी सुल्तान को। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म वर में 1988 को हुआ था और इनका एज 34 साल की हो चुकी है। दोस्तों आप लोग को पता है फेमस क्रिकेटर विराट कोहली से इनका विवाह हुआ था 2017 में और इन्होंने एक जो है अच्छे इंसान से विवाह की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है विराट कोहली को पसंद करते हो तो आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बात करते हैं अनुष्का शर्मा के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले आपको बता दें इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत सबसे पहले 2007 में फैशन डिजाइनर वेडन के साथ जो है इनकी रडिस के लिए अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट इन्होंने साइन किया था और बाद में एक मॉडल के रूप में पुनर्कालिक के करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई थी। उन्होंने बेहद जो है सफल रोमांटिक फिल्म रब ने बना दी जोड़ी मूवी 2008 में शाहरुख खान के साथ अभिनय की शुरुआत की और यशराज फिल्म के रोमांस और साथ ही बैंड बाजा बारात मूवी 2010 के साथ और जब तक यानी कि जब तक है जान मूवी 2012 में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बात के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार इनको दिया गया था। अनुष्का शर्मा ने क्राइम थ्रिलर मूवी एन एच 2015 में अभिनय किया और नाटक दिल धड़कने दो मूवी 2015 में और ए दिल है मुश्किल 2016 में और सुई धागे फिल्म 2018 में मजबूत इरादों वाली महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा अर्जित की थी। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी स्पोर्ट यानी कि ड्रामा मूवी सुल्तान है जिसे आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों सुल्तान मूवी को 2016 के अंदर रिलीज किया गया था। इस फिल्म में राजकुमार हिरानी की धार्मिक एनसाथी वंगेत पीके मूवी 2014 में भी रिलीज हुई थी। दोस्तों अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन कंपनी साथ ही कूल स्टाइल के साथ जो फिल्म की और साथ ही स्थापक भी है जिसके तहत जो है उन्होंने NH10 सहित जो कई फिल्मों का निर्माण किया है और वह कई ब्रांडों और कई उत्पादों के लिए राजदूत भी है। उन्होंने महिलाओं के लिए एक कपड़ों की अपनी जो है लाइन तैयार की है यहाँ पे जिसका नाम नूस रखी है। इन्होंने बता दें दोस्तों लैंगिक इंसाती समानता और पशु अधिकारों सहित जो विभिन्न दान और साथ ही कारणों का समर्थन करती है। अनुष्का शर्मा ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से अपनी शादी की है। बता दें दोस्तों प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करें तो मॉडलिंग करियर अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा एक सेना अधिकारी है और उनकी माँ आशिमा एक शर्मा एक गृहिणी इंसान है। बता दें दोस्तों इनका पुश्तैनी घर जो है कि नेस बिला रोड पर उत्तराखंड के साथ ही देहरादून शहर में है और साथ ही भारतीय सेना में शामिल होने से पहले उनके पिता यहाँ रहते थे और अनुष्का शर्मा की दादी यानी कि दरमिला आज भी उनके घर में रहती है। एन साथ ही शर्मा जो है बचपन में एन साथ ही नैसिल्बा रोड के शिला भवन में रहते हैं। बता दें दोस्तों उनके पिता उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मूल निवास है, जबकि जो है उनकी माँ एक जो है इनकी गढ़वाली है और उनके बड़े भाई जो फिल्म निर्माता कर्णेश शर्मा है, जिन्होंने पहले जो है मर्चेंट एंड नेवी में काम किया था। इन अनुष्का शर्मा ने कहा है कि एक जो है सैन्य अंसाती बहुआ ने उन्हें जो है एक यानी कि व्यक्ति के रूप में आकार देने और उनके जीवन में यानी कि योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं एक अभिनेता होने से भी ज़्यादा एक सेना अधिकारी की बेटी हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अनुष्का शर्मा ने शाहरुख खान के साथ आदित्य चोपड़ा की रोमांटिक ड्रामा रब ने बना दी जोड़ी फिल्म में अभिनय किया था, जिसे 2008 रिलीज किया गया था। दोस्तों 2008 में अभिनय की शुरुआत की इस फिल्म से उन्होंने यशराज फिल्म स्टूडियो में अपने जो स्क्रीन टेस्ट की तैयारी के लिए एक दिन का समय लिया था और तुरंत एक यानी कि करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कंपनी के साथ तीन फिल्मों के सौदों के लिए साइन किया था और शाहरुख खान द्वारा चित्रित किए गए एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में एक युवा दुल्हन यानी कि ताना सहानी की प्रमुख भूमिका फिल्म के अंदर निभाई। हिंदुस्तान टाइम्स के खालिद मोहम्मद ने उन्हें फिल्म में एक यानी कि अस्वस्थ अवसादी ईमानदार पाया था, लेकिन निखत काजमी ने सोचा था कि उनके पास सफी यानी कि उनके साथ यानी कि चुट जापी का कमी हुई है, इन साथी मुश्किल से यानी कि आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ये मूवी एक प्रमुख यानी कि व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जो उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए शर्मा फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया था। दो साल बाद अनुष्का शर्मा ने अपराध कॉमेडी मूवी बदमाश कंपनी में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जिसका निर्देशन परमीत सेट्टी ने किया था और शाहिद कपूर एंड बीएड दास में और साथी जो यानी कि मेयांग चांग के साथ जो अभिनय किया था। फिल्म जो कि चार असफल मित्रों की कहानी बताती है जो एक घोटाला व्यापार यानी कि उद्यम शुरू करते हैं और उनके साथ मिश्रित समीक्षा भी बनाते हैं। 2010 में बैंड बाजा बारात मूवी के साथ यानी कि डीपीटी के लॉन्च पर सह कलाकार जो है रणबीर सिंह के साथ शर्मा का बाद में 2010 में अनुष्का शर्मा ने बैंड बाजा बारात फिल्म में अभिनय करके यशराज फिल्म के साथ अपनी तीन फिल्म यानी कि अनुबंध पूरा किया, जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी और सह अभिनेत यानी कि रणबीर सिंह के साथ थी। उनकी भूमिका श्रुति कक्कड़ की थी जो एक महत्वाकांक्षी मध्यम वर्गीय पंजाबी लड़की की थी जो एक यानी कि अपना खुद का शादी की योजना बनाने का व्यवस्था शुरू करती है फिल्म के और वहां से भाग की तैयारी में अनुष्का शर्मा ने पंजाबी बोली में बोलना भी सीखा था, जिसे उन्होंने अपनी भूमिका के लिए सबसे कठिन भाग के रूप में उद्धृत किया है। उन्होंने फिल्म के मुख्य पात्रों के साथ जो है बातचीत करने के तौर तरीके को इंसाती कच्चा लेकिन प्यारा बतलाया था और इसके लिए उन्होंने तेजी से बात करने और कभी कभी इनके शब्दों को मिलाने और यहाँ तक कि शब्दों को पूरी तरह से छोड़ देने की आवश्यकता थी, इन साथी व्यापार विश्लेषकों ने इस पर जो है संदेह किया था। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सुल्तान। इस फिल्म को 2016 में रिलीज किया गया था और ये मूवी अनुष्का शर्मा की करियर की सबसे बड़ी फिल्म है क्योंकि इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले अनुष्का शर्मा की कोई भी मूवी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। दोस्तों अगर बात करें रब ने बना दी जोड़ी फिल्म के बारे में तो इस फिल्म ने भी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं किया था 2008 में। दोस्तों जब पूरी तरह से अनुष्का शर्मा ने व्यापार इन साथी विश्लेषकों ने यशराज फिल्म की पिछली कुछ जो है प्रस्तुतियों की माध्यम इन प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए एक पुरुष स्टार की कमी का हवाला देते हुए बैंड बाजा बारात फिल्म की व्यक्तित्व इन साथी संभावना पर संदेह व्यक्त किया था और कहा था कि तब तक जो है यानी कि शर्मा एक लगभग जो है इनकी भूल गई थी और अभिनेत्री जो है यानी कि हालांकि बैंड बाजा बारात फिल्म ने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की और स्लीपर हिट के रूप में ये मूवी उभरी एन अनुष्का शर्मा के प्रदर्शन की आलोचना भी की गई थी। बता दें दोस्तों फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था और जिसमें जो है यानी कि कई ने इसे उस समय तक जो है अपना सर्वश्रेष्ठ काम भी बतलाया था। फिल्म आलोचक अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि यानी कि अनुष्का शर्मा अपने आप में महत्वाकांक्षी दिल्ली की लड़की के रूप में आती है जो कि करोड़ों इन साथी सैनिक जो है यानी कि फॉर्म ऑडियो में साथी अपग्रेड करने का सपना देखती है और फिल्म में एक अपने काम के लिए शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन भी प्राप्त किया था। दोस्तों अनुष्का शर्मा का पहला उद्यम यशराज फिल्म द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित की गई
और अक्षय कुमार की सह अभिनीत जो है नाटक इंसाफी पटियाला हाउस मूवी 2011 की फिल्म थी। बता दें दोस्तों, फिल्म एक नवोदित क्रिकेटर कुमार धारा अभिनीत की कई कहानी बतलाती है, जिसे अपने जो है पेशे के बारे में अपने पिता को समझाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनुष्का शर्मा को अक्षय कुमार के चरित्र की प्रेम रुचि के रूप में लिया गया था। Rateev.com की सुकन्या वर्मा ने भी अनुष्का शर्मा के काम की प्रशंसा की थी और उन्हें ऊर्जा का रूपक करार दिया गया था। उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी ड्रामा लेडीज वर्सेस रिक्की बहल फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म में सहकलाकार रणबीर सिंह और साथ ही निर्देशक जो है मनीष शर्मा के साथ फिल्म में काम किया था और उसने जो है इसी का देसाई के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि एक यानी कि सेल्स गर्ल इंसान है। इसे एक ठग सिंघधारा साथ ही यानी कि निम्बधित को मात देने के लिए किया जाता है काम पर रखा गया था, जो कि इसके बजाय उसके प्यार में पड़ जाता है। अब जिसको उसके खिलाफ खड़ा किया गया था फिल्म में, उसे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद और शर्मा के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली और NDTV की पियाली एन साथी दास गुप्ता ने उन्हें जो है विश्वसनीय लेकिन प्रिय नहीं कहा था। बता दें दोस्तों, मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक माध्यम सफलता साबित हुई थी। 2012 में अनुष्का शर्मा ने यश चोपड़ा के हंस गीत रोमांस यानी कि जब तक है जान फिल्म में शाहरुख खान के साथ और कैटरीना कैफ के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में इन्होंने काम किया था और यशराज फिल्म के साथ यानी कि आगरा पांचवा सहयोग और यहीं पे शाहरुख खान के साथ सलमान खान के साथ उनका दूसरा सहयोग था और उन्हें एक यानी कि डिस्कवरी चैनल रिपोर्टर इन अकीरा राय के रूप में इनको इस फिल्म में लिया गया था। अनुष्का शर्मा को इस फिल्म में रिपोर्टर अकीरा रॉय के रूप में लिया गया था, जो एक यानी कि वृत्त चित्र फिल्म निर्माता होने की महत्वाकांक्षाओं को बरकरार रखती है। राजीव मंसद ने लिखा है कि अनुष्का शर्मा फिल्म में एक यानी कि चिंगारी लाती है, लेकिन राजा सेन असहमत थे और कहा कि जबकि अनुष्का यानी कि वास्तव में साहसी खेल सकती है तो उन्हें यह जो है कि इसे और कई यानी कि स्तरों पर टोन करने की जरूरत है। बता दें दोस्तों, अपनी भूमिकाओं के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। जब तक है जान मूवी 2012 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की मच वेटेड मूवी जिसका नाम है सुल्तान। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके आए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगली बार अनुष्का शर्मा जो है विशाल भारद्वाज की मात्र की बिजली का मंडोला फिल्म 2013 में दिखाई दिए, जो हरियाणा के एक गांव में स्थापित मूवी है। एक यानी कि राजनीतिक अवसाथी व्यंग है और पंकज कपूर, इमरान खान और शबाना आजमी के साथ अभिनीत जो है शर्मा ने बिजली एनसाथी मंडोला फिल्म की मुख्य भूमिका निभाई, जो एक मजबूत यानी कि सिर वाली लड़की है जो कि किसी अन्य व्यक्ति से सगाई होने के बावजूद जो है सलमान खान के चरित्र के साथ रोमांटिक संबंध में संलग्न होती है। इस फिल्म को समीक्षकों से मिले जुली समीक्षाओं के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन भी इस फिल्म ने किया था। बता दें दोस्तों, कई आलोचकों ने नोट किया है कि अनुष्का शर्मा को एक जोरदार और साथ ही लचक लड़की के रूप में देखा जा रहा था। फिल्म के बारे में राजा सेन ने उल्लेख किया है कि वह यानी कि क्लाइमेक्स के निकट कुछ यानी कि दृश्यों में महान दिखती है। हालांकि डेली न्यूज एंड एनालिसिस की कनिका इंसाती सिक्का जो है अधिक आलोचनात्मक थी और उन्हें जो है संबंध पाया था। बता दें दोस्तों, ये फिल्म 2014 में अनुष्का शर्मा ने राजकुमार हिरानी के धार्मिक जो है कि वैंग के साथ पीके फिल्म में एक टेलीविजन पत्रकार की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो एक यानी कि एलियन आमिर खान द्वारा और फिर निश्चित दोस्त कर लेती है फिल्म के अंदर। और आलोचकों इंसाती सेवल चटर्जी ने लिखा है कि अनुष्का शर्मा ने एक यानी कि उत्साही इंसाती उनके साथ कविता के साथ जो है प्रेमी लड़की की भूमिका निभाई है, जो अपने जो है मन को अधिकांश हिंदी फिल्म जो है इनकी नायिकाओं की तुलना में कही थी और अधिक जो है जानती थी और सलमान खान के और आमिर खान के खिलाफ जो है अपने आप को फिल्म में यानी कि पकड़ने के लिए उनकी प्रशंसा की थी। इन समीक्षकों द्वारा उनके साथ जो है प्रोसेस जो है पीके मूवी पीके सेवन इन साथ ही विलन के साथ जो है यूसे में कन्वर्ट कर दे तो 92 मिलियन से अधिक के विश्वव्यापी इन राशों के साथ जो सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में मूवी उभरी थी। बता दें दोस्तों, पीके फिल्म ने अपने सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया था 2014 में, क्योंकि 92 मिलियन से अधिक के विश्वव्यापी राशों के साथ
साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में मूवी उभरी थी। अनुष्का शर्मा ने साथी जोहन की क्लीन स्टाइल के साथ जो है और साथी फिल्मज नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की थी, जिसकी जो है पहले रिलीज मूवी नवदीप सिंह की थ्रिलर मूवी NH10 था, जो 2015 में रिलीज हुई थी। इसमें जो है उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में नजर आई थी, मुख्य भूमिका भी निभाई थी और पांचवी यानी कि बीजिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई थी। और यह एक यानी कि विवाहित जोड़े की कहानी कहता है, जिनकी जीवन जो है कि अपराधियों के एक समूह के साथ यानी कि मुठभेड़ के बाद यानी कि खतरे में पड़ जाती है। बता दें दोस्तों, तैयारी में अनुष्का शर्मा ने अपनी यानी कि सहन शक्ति बनाने के लिए 3 महीने के अंतराल जो है यानी कि प्रशिक्षण किया था और साथ ही साइबल चटर्जी ने फिल्म को एक यानी कि तंग और साथ ही रोमांचक थ्रिलर मूवी के रूप में पाया और अनुष्का शर्मा की प्रशंसा की गई थी एक तरह की यानी कि मनोदशाओं को व्यक्त करने के लिए, जब वो एक यानी कि लड़ाई में कमजोर से निडर की ओर जो है बढ़ती है, जिसमें उनके खिलाफ जो है भारी बढ़ाई होती है और साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस टाइम की प्रशंसा इस मूवी में शामिल थी। दोस्तों, सुल्तान फिल्म को 6 जुलाई 2016 को रिलीज करने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट करते 93 मिलियन की इस फिल्म ने कमाई किया था। बता दें दोस्तों, इस परियोजना की घोषणा पहले जून 2015 में यूट्यूब पर जारी किए गए थे और इसी के साथ इसकी यानी कि सलमान खान में हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभाने के लिए इस फिल्म में प्रशंसा की गई थी और फिल्म की तैयारी के लिए सलमान खान ने साथ ही लॉरेन स्टोल के मार्गदर्शन में कुश्ती प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। बता दें दोस्तों, अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अभिनेता साथ ही लिस विलिस्ट यानी कि उनके साथ में सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ फिल्म में सलमान खान ऑन स्क्रीन कोच के रूप में कास्ट किए जाने की खबरें थी। हालांकि फिल्म के कार्यकारी निर्माता राजा मुखर्जी ने साफ किया कि स्टोलोन फिल्म में अभिनय नहीं करेंगी। दोस्तों, दिसंबर 2015 में रणदीप हुड्डा को बाद में फिल्म में सलमान खान के कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। कई पोचे के बाद जो है अमित साध की कथित तौर पर को युवा सुल्तान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि मार्च 2016 में उन्होंने पुष्टि किया था कि वह शाहरुख खान के साथ एंड सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें दोस्तों, MMA के साथ जो है फाइटर टायर के साथ यानी कि बुडले को फिल्म में अन्य सैनिकों के साथ जो है जोड़ा गया था। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को सलमान खान के साथ महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए अनुष्का शर्मा ने फिल्म के लिए कुश्ती की यानी कि शिक्षा ली थी। इन फरवरी 2016 में साथी बास्को सीजर को फिल्म के कोरियोग्राफ के रूप में साइन किया गया था, क्योंकि साथी उनके साथ जो बॉबी मर्चेंट की जगह जिन्होंने उनके साथ व्यक्तिगत इंसानी प्रतिबद्धता के कारण फिल्म छोड़ दी थी। फिल्म का प्री प्रोडक्शन अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था। यहाँ पे सलमान खान ने फिल्म में अपने चरित्र की एक तस्वीर इंसानी फेसबुक पर पोस्ट की थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में शुरू हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सुल्तान फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी है सुल्तान मूवी की, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आए हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो इस फिल्म को 6 जुलाई 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। दोस्तों, बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सुल्तान फिल्म को 145 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये मूवी 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बात करें इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे। सुल्तान फिल्म की घोषणा सबसे पहले 2015 में यूट्यूब पर जारी किए गए थे। एक टीजर इसका सबसे पहले रिलीज किया गया था और फिल्म के टीजर के साथ इस मूवी की घोषणा की गई थी। फिल्म में सलमान खान दिखाई दे रहे थे और फिल्म में हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका सलमान खान इस फिल्म में निभाए हुए हैं। अरे दोस्तों, सलमान खान ने सुल्तान फिल्म के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा चेंजेस किया था, क्योंकि फिल्म की तैयारी के लिए सलमान खान ने स्टोल के मार्गदर्शन में कुश्ती प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। अब अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अभिनेता साथ ही सिल्वेस्टर और साथ ही स्केलेटन को भी फिल्म में खान के ऑन स्क्रीन कोच के रूप में कास्ट किए जाने की खबरें मिली थी, क्योंकि हालांकि फिल्म के कार्यकारी निर्माता राजा मुखर्जी ने साफ यहाँ पे किया था कि उन्होंने फिल्म में अभिनय नहीं करेंगे और बाद में संजय दत्त को सलमान खान के आग्रह के अनुसार जो है कोच की भूमिका निभाने की अफवाह उड़ाई गई थी। हालांकि बाद में सलमान खान ने
बताया था कि उन्होंने कभी भी संजय दत्त की भूमिका के लिए यानी कि आदित्य चोपड़ा पर जोर नहीं दिया था। दोस्तों अब दिसंबर 2015 में रणदीप हुड्डा को बाद में फिल्म में सलमान खान के कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। अब इसी तरह काई पोचे के अमित साथ के कथित तौर पर प्रसिद्ध को और इस फिल्म के लिए युवा एलसाती सुल्तान मूवी की भूमिका के लिए साइन किया गया था। बता दें दोस्तों इस फिल्म के लिए मार्च 2016 में उन्होंने पुष्टि किया था कि वह सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका फिल्म में निभा रहे हैं, जबकि MAA के साथ जो है इनके फाइटर टायरन एन साथी बुडली को फिल्म में अन्य यानी कि सेनानियों के साथ जो है सलमान खान के साथ और साइन किया गया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इस मूवी की सबसे बड़ी खबर तब आई थी जब जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को सलमान खान के साथ महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, क्योंकि एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए शर्मा ने फिल्म के लिए कुश्ती की शिक्षा ली। और क्योंकि फरवरी 2016 में बास्को सीजर को फिल्म के कोरियोग्राफर के रूप में साइन किया गया था, क्योंकि साथी बेवी और साथी मर्चेट की जगह जिन्होंने व्यक्तिगत और साथी प्रतिबद्धताओ के कारण जो फिल्म में छोड़ दी थी। दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम सुल्तान मूवी की एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अली अब्बास जाफर सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी भी अली अब्बास जाफर सर ने ही लिखे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो आदित्य चोपड़ा सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है और फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट है सलमान खान एंड अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए हैं। बात करें सलमान खान के करेक्टर के बारे में तो इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रूप में सलमान खान नजर आए हैं, अनुष्का शर्मा इस फिल्म में आरफा अली खान के रूप में नजर आई है, रणदीप हुड्डा इस फिल्म में फतेह सिंह के रूप में नजर आए हुए हैं, अमित सादा इस फिल्म में आकाश ओबराय के रूप में फिल्म में काम किए हैं। सुल्तान फिल्म के लिए सबसे पहले पीट प्रोडक्शन का काम जो अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था, क्योंकि जहां पे सलमान खान ने फिल्म में अपने चरित्र की एक तस्वीर जो है फेसबुक पर पोस्ट की थी, वहीं पे फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एनडी स्टूडियो कर्जत के ऊपर बनाई गई थी। और बता दें दोस्तों यानी कि जेट बुलू और साथ ही मेरिडन के साथ मुंबई में शुरू हुई थी, जहां पे फिल्म का पहला शेड्यूल फिल्माया गया था और पहले शेड्यूल का फिल्मांकन दिसंबर 2015 के अंत में पूरा किया गया था। इस फिल्म के दूसरे शेड्यूल का फिल्मांकन जनवरी 2016 में शुरू किया गया था, जहां पे सलमान खान ने एक्शन दृश्यों के लिए फिल्माया था और वहीं पे मार्च 2016 की शुरुआत में एक गाना फिल्माया गया था जिसे जो है फराह खान ने कोरियोग्राफ भी किया था। बता दें दोस्तों फिल्म के लिए कथित तौर पर सलमान खान और अनुष्का शर्मा के बीच एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था और फिल्म के कुछ जो है सीक्वेंस में दिल्ली की 360 साल जो है पुरानी जमा मस्जिद को दिखाई गई थी। और अप्रैल 2016 के अंत में मुख्य अभिनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में एन शूटिंग के लिए एक हिस्से के रूप में यानी कि स्कूटर की सवारी करते हुए फिल्म में लिया गया था इस सीन को। फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में लगभग 206 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुल्तान फिल्म के अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने 3 दिनों में 206 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये पहली भारतीय फिल्म बन गई थी जिसने अपने 2-3 दिनों में इतने ज़्यादा कमाई किए थे। इसने अपने यानी कि 45 दिनों में शुरुआती हफ्ता में लगभग जो है 328 करोड़ की कमाई की थी और 3 अगस्त 2016 तक इस फिल्म ने भारत में 416 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई किया था। और विदेशों के बारे में हम बात तो फिल्म ने 24 मिलियन डॉलर की कमाई की और अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। दोस्तों फिल्म ने चीन में रिलीज होने से पहले फिल्म की दुनिया भर में कमाई 589.25 करोड़ थी, जिसमें जो है भारत में 421.25 करोड़ था और विदेशों में फिल्म ने 168 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह फिल्म को 9 सितंबर 2018 तक चीन में रिलीज के बाद जो फिल्म ने दुनिया भर में 623.33 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 93 मिलियन की कमाई इस फिल्म ने किया। सुल्तान फिल्म ने अग्रिम बुकिंग के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि अपने रिलीज के दिन सुल्तान फिल्म को औसत से 70% दर्शक मिले थे और लगभग जो है 36.54 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की थी और अपने दूसरे हफ्ते के अंत तक फिल्म ने अनुमानित जो है 278 करोड़ की कमाई कर ली थी और इसका अंतिम घरेलू सकल संग्रह 421.25 करोड़ तक हो गया था। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सुल्तान फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म जैसे आप लोग को पता है 24 जुलाई 2016 तक फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में अनुमानित जो है 39.69 करोड़ तक कमाई कर लिया था। ये मूवी संयुक्त अरब इमारात और खाड़ी यानी कि सहयोग परिषद में 52.94 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और फिल्म ने यूनाइटेड किंगडम में 14.7 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। फिल्म ऑस्ट्रेलिया में 6.65 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह सारे कलेक्शन हम मिला दें
या ओवरसीज कलेक्शन, तो यहाँ पे 30 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की थी और फिल्म ने पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रों में 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। यूनाइटेड किंगडम में ये मूवी 1 मिलियन से अधिक के साझुए खुला और वर्ष के अंत तक जो है इनकी सकल संग्रह इस फिल्म का 1.8 मिलियन यूरो में था। इससे जो यह फिल्म 2016 की यूके दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली विदेशी भाषा की फिल्म बन गई थी। बता दें दोस्तों मूवी दंगल के नीचे और 17 जुलाई 2016 तक इस फिल्म ने साथ ही न्यूजीलैंड में 2.93 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और फिल्म ने मलेशिया में 1.9 करोड़ का संग्रह किया था और मूवी 10 जुलाई 2016 तक इस फिल्म ने साथ ही जर्मन में 33 लाख रुपए से अधिक की कमाई किए थे और जिसने तीसरे हफ्ते के अंत में फिल्म ने सुल्तान की कुल विदेशी कमाई लगभग जो है 22.57 मिलियन से अधिक बतलाया गया था। दोस्तों सुल्तान मूवी ने 3 अगस्त 2016 तक सुल्तान ने विदेशों में 24.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया था यूएस डॉलर में। इसी तरह फिल्म ने 161 करोड़ की कमाई की थी जिससे यह विदेशी बाजारों में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसकी चीन में रिलीज से पहले ही इसकी विदेशी कमाई 180 करोड़ हो गई थी और चीन में जहां फिल्म ने 31 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी इस फिल्म ने 16 सितंबर 2018 तक 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर लिया था जिसने जो है 9 सितंबर 2018 को समाप्त भी हो गया था और इसी के दौरान ये मूवी जो यानी कि अब एक हफ्ता ही इसके बीच जो है चीन बॉक्स ऑफिस पे 8 पर फिल्म जो है इनकी 7वें नंबर पर पहुंच गई थी और ये मूवी 9 सितंबर 2018 तो फिल्म ने विदेशों में 29.82 मिलियन की कमाई किया था। दोस्तों इस फिल्म पर आधारित जो है एक यानी कि आधिकारिक गेम जो कि 99 गेम द्वारा एंड्रॉयड एंड मोबाइल फ़ोन के लिए जारी भी किया गया था। दोस्तों फिल्म को 6 जुलाई 2016 को फिल्म की डिजिटल यानी कि कॉपी जो है यानी कि डार्कनेट में उपलब्ध होने की सूचना मिली थी और इस बात की पुष्टि करते हुए कि निर्माताओं द्वारा साथ ही CBSP बोर्ड को समीक्षा के लिए भेजे गए थे इन साथ ही नमूने से प्रति लीक बनाई गई थी कि लीक की यानी कि जांच कर रहे थे और साइबर अपराध जो है इनके विशेषज्ञों ने कहा था कि उनके साथ रिसाव की पुष्टि हो गई है और फिल्म की प्रति यानी कि उनके साझ डार्क नेट पर उपलब्ध है। बता दें दोस्तों और जल्द ही यानी कि यह मूवी होगी कि टोरेंट और साथ ही यानी कि टोरेंट पर उपलब्ध है। हालांकि फिल्म के निर्माता यशराज फिल्म ने इस तरह के विकास से इनकार कर दिया था और एक निजी यानी कि अनुवेश के साझ यानी कि किस लय चौधरी ने दावा किया था कि यह फिल्म 2 घंटे और 36 मिनट लंबी फिल्म के लिए एक उपलब्ध है और उनके साथ जो है मेल टूडे के साथ जो है यानी कि उसका और स्क्रीनशॉट जो है साझा किया गया था और सुल्तान फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने ये कहा था कि जितने भी वेबसाइट पे इस फिल्म की लीक है वहां से इन सभी को हटा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सुल्तान मूवी की हिस्टोरी के बारे में और जानते हैं फिल्म की कहानी कैसी लिखी गई थी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस फिल्म की कहानी को जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सुल्तान मूवी की कहानी स्टार्ट होती है सुल्तान अली खान से जो एक मध्यम आयु वर्ग के स्थानीय पहलवान इंसान है और पूर्व कुश्ती चैंपियनशिप में रहते हैं जो कि हरियाणा के एक छोटे से शहर में रेवाड़ी में उनका एक जो है कि एकांत जीवन जी रहे होते हैं। बता दें दोस्तों श्री पटेल द्वारा समर्थित की गई एक निजी मिश्रित जो है मार्शल आर्ट लीग के संस्थापक जो है आपका और साथ ही ओबरॉय को उनके पिता द्वारा जो है सुल्तान की लोकप्रियता को बचाने के लिए भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और हरियाणा की एक यात्रा करने के बाद वह सुल्तान को भर्ती का प्रस्ताव देते हैं जो कि स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह कुश्ती से पूरी तरह से यानी कि सेवानिवृत्त हो गए हैं और अपनी जो है कि सेवानिवृत्त के पीछे के कारण की तलाश में आकाश का यानी कि आकाश सुल्तान ने करीबी दोस्त यानी कि गोविंदा का सामना करने के लिए कहा जो कि बताते हैं कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ था। अब सुल्तान की करियर को बताया जाता है फिल्म एक बार फ्लैशबैक में चला जाता है 2008 में सुल्तान को एक राज्य और साथ ही स्तरीय पहलवान और एक स्थानीय कुश्ती कोच की बेटी जो है कि आरफा हुसैन से प्यार हो गया था। हालांकि वह शुरू में उसके प्रति यानी कि ठंडी हो जाते हैं। 8 साल पहले की कहानी को फिल्म के अंदर बताया जाता है आरफा हुसैन से सलमान खान प्यार करने लग जाते हैं उसके प्रति ठंडे भी हो जाती है लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। बता दें दोस्तों जब वह दावा करती है कि वह प्रतिबंध होते हैं तो वह उसका यानी कि अपमान करती है और कहती है कि वह केवल एक यानी कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और पहलवान से शादी करेगी अपना यानी कि सामना जीतने के लिए दृढ़ और साथ ही संकल्प सुल्तान खुद को गहन इंसाती प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है और अंततः एक राज्य इंसाती स्तरीय कुश्ती के साझे टूर्नामेंट जीतते हैं। साथ ही साथ यानी कि आरफा भी दोनों शादी कर लेते हैं और विभिन्न यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मान्यता प्राप्त यानी कि पहलवान बन जाते हैं।
जब दोनों को लोकप्रियता दल के लिए चुना जाता है तो आरफा को पता चलता है कि वह यानी गर्भवती है। वह भारत के लिए और साथ ही ओलंपिक जो यानी कि स्वर्ण पदक जीतने के अपने बचपन के सपने को छोड़ देती है, इसे जो है सुल्तान तब पूरा करता है। उसे आश्चर्य होता है कि सुल्तान की उपलब्धि उसे जो है घमंडी बना देता है और वह एक यानी कि कार्यक्रम में एक रिपोर्ट को थप्पड़ मार देती है, एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वह तुर्की में साथी स्वर्ण जीतने के लिए आरफा को उसके जो है नियम उसकी नियत तारीख के करीब जो है इनकी छोड़ देता है। वहाँ से लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके जो है इनकी नवजात बेटे की गंभीर इंसाती रक्तपालता के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। बच्चे के पास एक यानी कि दुर्लभ ओ के साथ जो है रक्त प्रकार था जो कि सुल्तान के सामना करना पड़ रहा था, जिसकी जो है इनकी अनुपस्थिति ने बच्चे को यानी कि डाटा से और साथ ही वंचित कर दिया था। और गुस्से में आरफा सुल्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है और अपनी पत्नी और बच्चों को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का यानी कि ब्लड और साथ ही बैंक खोलने के लिए धन जुटाता है जहाँ पे उसके बच्चे जी सके और जितने भी उस तरह के बच्चे हैं उनको दवा मिल सके। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों सलमान खान की कहानी कुछ इस तरह से इस फिल्म में बतलाई गई है। फ्रेंड इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सुल्तान। दोस्तों अगर आप लोग सुल्तान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बतलाइएगा। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं। बता दें दोस्तों आज के समय में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के पुरस्कार शबी बोल्ट के साथ जो है बैंक खोलने के उसके सपने को पूरा करेगी। सुल्तान वहाँ से भाग लेने के लिए उस हिस्सा में भाग लेने के लिए सहमत हो जाते हैं और दिल्ली में साथी प्रशिक्षण के लिए यात्रा भी करना शुरू कर देते हैं जहां पे आकाश उसे जो है कि एमएमए को कोच कहते हुए और फतेह सिंह के साथ भी इनकी मिलवाते हैं जो शुरू में उसे मना कर दिया है कोचिंग करने के लिए, लेकिन उसकी यानी कि दृढ़ एंड संकल्प को देखने के बाद जो है सहमत हो जाते हैं। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद जो है सुल्तान अपनी काया को वापस पा लेता है और उसके साथ सीखता है कि उनके साथ इनकी फ्री स्टाइल में कुश्ती कैसे की जाती है। और अपनी पहली यानी कि लाइन में सुल्तान ने अपनी यानी कि प्रतिष्ठित कुश्ती शैली का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को हरा दिया था और वह जल्दी मोचों की यानी कि एक श्रृंखला और साथ ही जीतकर और इसी प्रक्रिया में आरफा का समर्थन यानी कि हासिल करते हुए दिखाई दिए थे और एक राष्ट्रीय व्यापी यानी कि सनसनीखेज बन जाती है। सलमान खान इस फिल्म में एक मुकाबला जीतने के बाद प्रतिद्वंदी टरन एंड बुडली के खिलाफ जो है यानी कि सेमीफाइनल के दौर के दौरान जो है सुल्तान और साथ ही लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताया जाता है कि सुल्तान को दोबारा युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं यानी कि ऐसा करने से इनकी जान न चली जाए, उसकी चोट जो है इनकी घातक हो जाएगी। और आरफा यानी कि बोर्ड में आती है और उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। बता दें दोस्तों सेमीफाइनल मैच के दौरान जो है सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपने जो है दर्द पर काबू पा लेता है और अंत में टूर्नामेंट जीत जाता है और अपनी पत्नी के साथ फिर से सुल्तानपुर यानी कि चला जाता है। इसी के साथ सुल्तान को पुरस्कार दिए जाते हैं उपयोग करके यानी कि ब्लड बैंक खोलता है और आरफा कुश्ती शुरू करती है। कुछ साल बाद वह एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसे सुल्तान पहलवान के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। तो दोस्तों ये है सुल्तान फिल्म की कहानी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप सुल्तान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुल्तान फिल्म वॉज द रिलीज ऑन वर्ल्ड वाइड ऑन 6 जुलाई 2016। इट इज़ द हेज ग्रोस द 623 crore इन द यूएसए कन्वर्ट टू द 93 million वर्ल्ड वाइड क्लोज। सुल्तान अली खान इज द मिडिल एंड एज द लोकल एंड वरिष्ठर एंड इज द एंड वरिस्टिंग द एंड कॉम्पियन एंड द चैंपियनशिप लिविंग द एंड लोनली इन लाइफ इन द स्मॉल टू द ऑफ द एंड रोवरी इन हरियाणा इन द हरियाणा आकाश ओपरे टू द एंड फाउंडर द ऑफ द एंड प्राइवेट मिक्सिड द एंड मटेरियल आर द एंड लिक्विड एंड बिकेट बाय द मिस्टर पटेल एंड द इको नोरिस बाय द एंड फादर टू द एंड रिकल द सुल्तान टू बी एंड सेल्वेज इट इज द एंड पॉपुलरिटी आफ्टर द एंड ट्रेवलिंग टू बी एन हरियाणा ही द एंड गिव द एंड द रिक्रूटमेंट ऑफिसर टू बी सुल्तान हु द एंड ऑन द ही ब्रेटनी एंड रिफर टू द एंड साइज टू बी हिज द एंड कम्प्लीटली एंड रिटायर्ड फ्रॉम द एंड वरिस्टेड द एंड सर्च ऑफ द एंड रीजन द बेहन हिज द एंड रिटायरमेंट द आकाश एंड कॉन्फर्म द सुल्तान इज द एंड क्लोज फ्रेंड गोविंद
क्लोज फ्रेंड गोबिन हुदा एंड नरेटेड हाउ इज द सुल्तान इज द करियर बिगेन इन द दिस टाइम एंड करियर बिगेन इन 2008 द इन सुल्तान फेल इन लव विद द एन साइड ऑफ द आरफा हुसैन एज द स्टेल लेवल द एन वरेस्टर एंड डॉटर ऑफ द एन लोकल द एन वरेस्टिंग द कोच एंड अल्थाउ हिज द एन सी एंटियरली कोल्ड द एंड टोट ऑफ हिज द एंड एक्सेप्ट सुल्तान हिज द फ्रेंड व्हेन ही द एन क्लाइम टू एंड एरी द एन कमिटेड द सी हिज द इंसल्ट हिम द एन सेइंग सो वर्ल्ड बी वर्ल्डली मेरी will be entered the in worsted the and determined to be win the in respect sultan the and dedicated the himself to be and interest the and training to be and ultimately wins in sultan the and level the and resting the and tournament the all the will arifa the to get the and merit the and because the and recognize the and worsted the and represent the india is the in various international games win the into are the and selected from the and olympic the and conto and the conto nation the arifa and discover the and pregnant in the pregnancy the in give up the hair the childhood dream of the in winning an olympic the in gold medal for the india with the sultan then the in full time to hair the in surprise sultan is the in an acclamation making he the in orge in the in orokin he is the in slap the in reported to be an event the also the in level the in arfa and nearing hair the do you dare to be win the gold at the in turkey open the returning is the fine to be hit the in newborn son had the and bad do you to his the and sever the and anemia severe anemia the body had the and rear the o blood type is the and identity is the identical to be sultan hit the and who is the and at sense is the and deprived to be chill of the endo hit the denote the and angry to be an arfa and decide to be and leave the sultan the and decide to be with the and father and depressed to be and from the and lodging his the wife is the soul and the chill sultan the and is found to be an open a block open a and the blood bank of the his the son name is the son Sultan in the present day the in Akash the in promise Sultan thread the and tournament in prize money will be and fulfill his the and dream of the in opening to and blood bank Sultan the agreed to be and participated and the and travel to be entered in Delhi where the Akash introduced the to him to MMA and coach the and Fateh Singh with the entirely and refused to be him but the and agree after the and saying his the and determination after two months of the intent to be Sultan the and regain to his the and Faisuki his the learning how to and rested the and in free style in his the and frost fight the sultan and defeated to be an opening to and using his the and iconic use the and oriental style he is the son and become his the and neat white to be an sensation of the winning his the and series of the major and his the gain in arfa in support in the end process with the end during to be and semi final round of the again and opening to be tied to the widely and sultan wish to be and fight is the and severely injured to be and in the hospitalized is the end doctor the in from to be Akash the sultan and soul of the fight again and last hit the in journalist to be in become the end for end the in fatal arfa is the in arrived to be ward and the end motivate to his the and continue the fight his the enduring to final match is the sultan the and overcome his the end pain to be in defect to be is the opening to and ultimately win the end tournament the end reunited with the wife the sultan opened the and blood bank using the and prize money and arfa the resumed the investing to be a few years later give the and birth to be a baby girl with the sultan and begin to be entered as the investor his the movie sultan movie is the october 2015 third the and report of the american actor the and silverstar astronaut his the began cast in the movie film as the salman khan on screen the coach however the and raja mukherjee the expect to be in producer of the film and clear that Tethi and Estlon will be not be acting in the film and later the Sanjay the Swas the and remote to be play the role of the and coach the and according to be Salman Khan is the instead to be however Salman Khan and later the and reported to be and never the and instead to be Aditya Chopra for the and Sanjay the of the movie In December 2015 Randeep Hooda was the and later the signed to be played the Salman Khan coach of the movie
द फिल्म इज द अमीज साथ ऑफ द किया पोची इज द फेम वॉज द एंड रिपोर्टेड द इंसिग्नेट फॉर द रोल ऑफ द यंग सुल्तान हाउएवर इन मार्च 2016 ही द कन्फर्म टू बी इज द एंड प्लेइंग द रोल ऑफ द सलमान खान इज द यंग ब्रोदर एन एमएमए फाइटर द एंट्रिंग एंड द ट्राइंग टू वर्ल्ड हिज द एंड बिगिन टू बी सिग्नेट द एंड ऑपोजिट सलमान खान विद द In other fight in the movie film. In January 2016, Anushka Sharma was the signet to play the film hit the lead role and opposite the Salman Khan. For her, the role is the investor and Sharma took the investing to be and listen for the film. In the February 2016, Basco and Kishore were the signet to be and choreographer of the film and replaced the N by V and Machandi who the and left the film due to the and personal and commitment. The pre-production of the film started on October 2015 where the Salman Khan and posted to the and photo he the and the character the in on the Facebook and principal photographer of the film and started in the December 2015 and the ND studio the and Karchat with the NGW and Marriott of the Mumbai where the film is the and first the schedule was the filming of the first in schedule had the and completely in the late and December 2015 and the filming of the and second schedule was the and started in the January 2016 where the and Salman Khan and filmed from the and action sequence and song of the and was the and filmed in the early March 2016 the and the choreographer by the Farha Khan and action sequence the and between Salman Khan and Anushka Sharma was the and reportedly filmed the and song of the and sequence of the movie will be in future the 360 years old the and Jama Masjid of the Delhi in late the April 2016 the and lead actor Salman Khan was the seen and right of the N scooter as the N part of the shooting in the Muzaffarnagar. दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अनुष्का शर्मा की ब्लॉकबस्टर मूवी सुल्तान को। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म वर में 1988 को हुआ था और इनका एज 34 साल की हो चुकी है। दोस्तों आप लोग को पता है फेमस क्रिकेटर विराट कोहली से इनका विवाह हुआ था 2017 में और इन्होंने एक जो है अच्छे इंसान से विवाह की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है विराट कोहली को पसंद करते हो तो आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बात करते हैं अनुष्का शर्मा के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले आपको बता दें इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत सबसे पहले 2007 में फैशन डिजाइनर वेडन के साथ जो है इनकी रडिस के लिए अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट इन्होंने साइन किया था और बाद में एक मॉडल के रूप में पुनर्कालिक के करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई थी। उन्होंने बेहद जो है सफल रोमांटिक फिल्म रब ने बना दी जोड़ी मूवी 2008 में शाहरुख खान के साथ अभिनय की शुरुआत की और यशराज फिल्म के रोमांस और साथ ही बैंड बाजा बारात मूवी 2010 के साथ और जब तक है जान मूवी 2012 में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बात के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार इनको दिया गया था। अनुष्का शर्मा ने क्राइम थ्रिलर मूवी NH10 2015 में अभिनय किया और नाटक दिल धड़कने दो मूवी 2015 में और ए दिल है मुश्किल 2016 में और सुई धागे फिल्म 2018 में मजबूत इरादों वाली महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा अर्जित की थी। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी स्पोर्ट यानी कि ड्रामा मूवी सुल्तान है जिसे आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों सुल्तान मूवी को 2016 के अंदर रिलीज किया गया था। इस फिल्म में राजकुमार हिरानी की धार्मिक इंसाफी वंगेत पीके मूवी 2014 में भी रिलीज हुई थी। दोस्तों अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन कंपनी साथ ही कुल स्टाइल के साथ जो है फिल्म की और साथ ही स्थापक भी है जिसके तहत जो है उन्होंने NH10 सहित जो है कई फिल्मों का निर्माण किया है और वह कई ब्रांडों और कई उत्पादों के लिए राजदूत भी है। उन्होंने महिलाओं के लिए एक कपड़ों की अपनी जो है लाइन तैयार की है यहाँ पे जिसका नाम नूस रखी है। इन्होंने बता दे दोस्तों लैंगिक इंसाफी समानता और पशु अधिकारों सहित जो है विभिन्न दान और साथ ही कारणों का समर्थन करती है। अनुष्का शर्मा ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से अपनी शादी की है। बता दें दोस्तों प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं मॉडलिंग करियर। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा एक सेना अधिकारी है और उनकी माँ आशिमा एक शर्मा एक गृहिणी इंसान है। बता दें दोस्तों इनका पुश्तैनी घर जो है इनके नेसबिला रोड पर उत्तराखंड के साथ ही देहरादून शहर में है और साथ ही भारतीय सेना में शामिल होने से पहले उनके पिता यहाँ रहते थे और अनुष्का शर्मा की दादी यानी कि दर्मिला आज भी उनके घर में रहती है। एन साथ ही शर्मा जो है बचपन में एन साथ ही नाइसिल्वा रोड के शिला भवन में रहते हैं। बता दें दोस्तों उनके पिता उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मूल निवास है, जबकि जो है उनकी माँ एक जो है इनकी गढ़वाली है और उनके बड़े भाई जो फिल्म निर्माता कर्नल कर्णेश शर्मा है, जिन्होंने पहले जो है मर्चेंट एंड नेवी में काम किया था। इन अनुष्का शर्मा ने कहा है कि एक जो है सैन्य अंसारी बउआ ने उन्हें जो है एक यानी कि व्यक्ति के रूप में आकार देने और उनके जीवन में यानी कि योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं एक अभिनेता होने से भी ज़्यादा एक सेना अधिकारी की बेटी हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अनुष्का शर्मा ने शाहरुख खान के साथ आदित्य चोपड़ा की रोमांटिक ड्रामा रब ने बना दी जोड़ी फिल्म में अभिनय किया था, जिसे 2008 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, 2008 में अभिनय की शुरुआत की इस फिल्म से उन्होंने यशराज फिल्म स्टूडियो में अपने जो स्क्रीन टेस्ट की तैयारी के लिए एक दिन का समय लिया था और तुरंत एक यानी कि करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कंपनी के साथ तीन फिल्मों के सौदों के लिए साइन किया था और शाहरुख खान द्वारा चित्रित किए गए एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में एक युवा दुल्हन यानी कि ताना सहानी की प्रमुख भूमिका फिल्म के अंदर निभाई। हिंदुस्तान टाइम्स के खालिद मोहम्मद ने उन्हें फिल्म में एक यानी कि अस्वस्थ अवसादी ईमानदार पाया था, लेकिन निकहत काजमी ने सोचा था कि उनके पास सफी यानी कि उनके साथ यानी कि चुट जापी का कमी हुई है, इन साथ ही मुश्किल से यानी कि आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ये मूवी एक प्रमुख यानी कि व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जो उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए शर्मा फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया था। दो साल बाद अनुष्का शर्मा ने अपराध कॉमेडी मूवी बदमाश कंपनी में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जिसका निर्देशन परमीत सेट्टी ने किया था और शाहिद कपूर इन बीएड दास में और साथ ही जो यानी कि मेयांग चांग के साथ जो अभिनय किया था। फिल्म जो कि चार असफल मित्रों की कहानी बताती है जो एक घोटाला व्यापार यानी कि उद्यम शुरू करते हैं और उनके साथ मिश्रित समीक्षा भी बनाते हैं। 2010 में बैंड बाजा बारात मूवी के साथ यानी कि डीपीटी के लॉन्च पर सह कलाकार जो है रणबीर सिंह के साथ शर्मा का बाद में 2010 में अनुष्का शर्मा ने बैंड बाजा बारात फिल्म में अभिनय करके यशराज फिल्म के साथ अपनी तीन फिल्म यानी कि अनुबंध पूरा किया, जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी और सह अभिनेत यानी कि रणबीर सिंह के साथ थी। उनकी भूमिका श्रुति कक्कड़ की थी जो एक महत्वाकांक्षी मध्य वर्गीय पंजाबी लड़की की थी जो एक यानी कि अपना खुद का शादी की योजना बनाने का व्यवस्था शुरू करती है फिल्म के अंदर और वहाँ से भाग की तैयारी में अनुष्का शर्मा ने पंजाबी बोली में बोलना भी सीखा था, जिसे उन्होंने अपनी भूमिका के लिए सबसे कठिन भाग के रूप में उद्धृत किया है। उन्होंने फिल्म के मुख्य पात्रों के साथ जो है बातचीत करने के तौर तरीके को इंसाफी कच्चा लेकिन प्यारा बतलाया था और इसके लिए उन्होंने तेजी से बात करने और कभी कभी यानी कि शब्दों को मिलाने और यहाँ तक कि शब्दों को पूरी तरह से छोड़ देने की आवश्यकता थी, इन साथ ही व्यापार विश्लेषकों ने इस पर जो है संदेह किया था। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सुल्तान। इस फिल्म को 2016 में रिलीज किया गया था और ये मूवी अनुष्का शर्मा की करियर की सबसे बड़ी फिल्म है क्योंकि इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले अनुष्का शर्मा की कोई भी मूवी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। दोस्तों, अगर बात करें रब ने बना दी जोड़ी फिल्म के बारे में तो इस फिल्म ने भी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं किया था 2008 में। दोस्तों, जब पूरी तरह से अनुष्का शर्मा ने व्यापार इन साथी विश्लेषकों ने यशराज फिल्म की पिछली कुछ जो है प्रस्तुतियों की माध्यम इन प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए एक पुरुष स्टार की कमी का हवाला देते हुए बैंड बाजा बारात फिल्म की व्यक्तित्व इन साथी संभावना पर संदेह व्यक्त किया था और कहा था कि तब तक जो है यानी कि शर्मा एक लगभग जो है इनकी भूल गई थी और अभिनेत्री जो है यानी कि हालांकि बैंड बाजा बारात फिल्म ने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की और स्लीपर हिट के रूप में मूवी उभरी एन अनुष्का शर्मा के प्रदर्शन की आलोचना भी की गई थी। बता दें दोस्तों, फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था और जिसमें जो है यानी कि कई ने इसे उस समय तक जो है अपना सर्वश्रेष्ठ काम भी बतलाया था। फिल्म आलोचक अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि यानी कि अनुष्का शर्मा अपने आप में महत्वाकांक्षी दिल्ली की लड़की के रूप में आती है जो कि करोड़ों इन साथी सैनिक जो है यानी कि फॉर्म आर्डियो में साथ ही अपग्रेड करने का सपना देखती है और फिल्म में एक अपने काम के लिए शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन भी प्राप्त किया था। दोस्तों, अनुष्का शर्मा का पहला उद्यम यशराज फिल्म द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित की गई
और अक्षय कुमार की सह अभिनीत जो है नाटक इंसाधी पटियाला हाउस मूवी 2011 की फिल्म थी। बता दे दोस्तों, फिल्म एक नवोदित क्रिकेटर कुमार धारा अभिनीत की कई कहानी बतलाती है, जिसे अपने जो है पेशे के बारे में अपने पिता को समझाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनुष्का शर्मा को अक्षय कुमार के चरित्र की प्रेम रुचि के रूप में लिया गया था। Rateev.com की सुकन्या वर्मा ने भी अनुष्का शर्मा के काम की प्रशंसा की थी और उन्हें ऊर्जा का रूपक करार दिया गया था। उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी ड्रामा लेडीज वर्सेस रिकी बहल फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म में सहकलाकार रणबीर सिंह और साथ ही निर्देशक जो है मनीष शर्मा के साथ फिल्म में काम किया था और उसने जो है इसी का देसाई के रूप में अपनी अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि एक यानी कि सेल्स गर्ल इंसान है। इसे एक ठग सिंघारा साथी यानी कि निम्बधित को मात देने के लिए किया जाता है काम पर रखा गया था, जो कि इसके बजाय उसके प्यार में पड़ जाता है। अब जिसको उसके खिलाफ खड़ा किया गया था फिल्म में, उसे उससे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद और शर्मा के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली और NDTV की पियाली एन साथी दास गुप्ता ने उन्हें जो है विश्वसनीय लेकिन प्रिय नहीं कहा था। बता दें दोस्तों, मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक माध्यम सफलता साबित हुई थी। 2012 में अनुष्का शर्मा ने यश चोपड़ा के हंस गीत रोमांस यानी कि जब तक है जान फिल्म में शाहरुख खान के साथ और कैटरीना कैफ के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में इन्होंने काम किया था और यश राज फिल्म के साथ यानी कि आगरा पाँचवा सहयोग और यहीं पर शाहरुख खान के साथ सलमान खान के साथ उनका दूसरा सहयोग था और उन्हें एक यानी कि डिस्कवरी चैनल रिपोर्टर इन अकीरा राय के रूप में इनको इस फिल्म में लिया गया था। अनुष्का शर्मा को इस फिल्म में रिपोर्टर अकीरा रॉय के रूप में लिया गया था, जो एक यानी कि वृत्त चित्र फिल्म निर्माता होने की महत्वाकांक्षाओं को बरकरार रखती है। राजीव मंसद ने लिखा है कि अनुष्का शर्मा फिल्म में एक यानी कि चिंगारी लाती है, लेकिन राजा सेन असहमत थे और कहा कि जबकि अनुष्का यानी कि वास्तव में साहसी खेल सकती है तो उन्हें यह जो है कि इसे और कई यानी कि स्टार कई यानी कि इस स्तरों पर टोन करने की जरूरत है। बता दें दोस्तों, अपनी भूमिकाओं के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। जब तक है जान मूवी 2012 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की मच वेटेड मूवी जिसका नाम है सुल्तान। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके आए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगली बार अनुष्का शर्मा जो है विशाल भारद्वाज की मात्र की बिजली का मंडोला फिल्म 2013 में दिखाई दिए, जो हरियाणा के एक गांव में स्थापित मूवी है। एक यानी कि राजनीतिक अवसाथी व्यंग है और पंकज कपूर, इमरान खान और शबाना आजमी के सांसद अभिनीत जो है शर्मा ने बिजली एनसाथी मंडोला फिल्म की मुख्य भूमिका निभाई, जो एक मजबूत यानी कि सिर वाली लड़की है जो कि किसी अन्य व्यक्ति से सगाई होने के बावजूद जो है सलमान खान के चरित्र के साथ रोमांटिक संबंध में संलग्न होती है। इस फिल्म को समीक्षकों से मिले जुली समीक्षाओं के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन भी इस फिल्म ने किया था। बता दें दोस्तों, कई आलोचकों ने नोट किया है कि अनुष्का शर्मा को एक जोरदार और साथ ही लचक लड़की के रूप में देखा जा रहा था। फिल्म के बारे में राजा सिंह ने उल्लेख किया है कि वह यानी कि क्लाइमेक्स के निकट कुछ यानी कि दृश्यों में महान दिखती है। हालांकि डेली न्यूज एंड एनालिसिस की कनिका इंसाती सिक्का जो है अधिक आलोचनात्मक थी और उन्हें जो है संबंध पाया था। बतला दे दोस्तों, ये फिल्म 2014 में अनुष्का शर्मा ने राजकुमार हिरानी के धार्मिक जो है कि वैंग के साथ पीके फिल्म में एक टेलीविजन पत्रकार की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो एक यानी कि एलियन आमिर खान द्वारा और फिर निश्चय दोस्त कर लेती है फिल्म के अंदर। और आलोचकों इंसाती सैबल चटर्जी ने लिखा है कि अनुष्का शर्मा ने एक यानी कि उत्साही इंसाती उनके साथ कविता के साथ जो है प्रेमी लड़की की भूमिका निभाई है, जो अपने जो है मन को अधिकांश हिंदी फिल्म जो है कि नायिकाओं की तुलना में कही थी और अधिक जो है जानती थी और सलमान खान के और आमिर खान के खिलाफ जो है अपने आप को फिल्म में यानी कि पकड़ने के लिए उनकी प्रशंसा की थी। इन समीक्षकों द्वारा उनके साथ जो है प्रोसेस जो है पीके सेवन इन साथ विलन के साथ जो है यूसे में कन्वर्ट कर दे तो 92 मिलियन से अधिक के विश्वव्यापी इन राशों के साथ जो है सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में मूवी उभरी थी। बता दें दोस्तों, पीके फिल्म ने अपने सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया था 2014 में, क्योंकि 92 मिलियन से अधिक के विश्वव्यापी राशों के साथ
साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में मूवी उभरी थी। अनुष्का शर्मा ने साथ ही जो है क्लीन स्टाइल के साथ जो है और साथ ही फिल्मज नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की थी, जिसकी जो है पहले रिलीज मूवी नवदीप सिंह की थ्रिलर मूवी NH10 था, जो 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें जो है उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में नजर आई थी, मुख्य भूमिका भी निभाई थी और पांचवी यानी कि बीजिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई थी। और यह एक यानी कि विवाहित जोड़े की कहानी कहता है, जिनकी जीवन जो है कि अपराधियों के एक समूह के साथ यानी कि मुठभेड़ के बाद यानी कि खतरे में पड़ जाती है। बता दें दोस्तों, तैयारी में अनुष्का शर्मा ने अपनी यानी कि सहन शक्ति बनाने के लिए 3 महीने के अंतराल जो है यानी कि प्रशिक्षण किया था और साथ ही साइबल चटर्जी ने फिल्म को एक यानी कि तंग और साथ ही रोमांचक थ्रिलर मूवी के रूप में पाया और अनुष्का शर्मा की प्रशंसा की गई थी एक तरह की यानी कि मनोदशाओं को व्यक्त करने के लिए, जब वह एक यानी कि लड़ाई में कमजोर से निडर की ओर जो है बढ़ती है, जिसमें उनके खिलाफ जो है भारी बढ़ाई होती है और साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस टाइम की प्रथमता इस मूवी में शामिल थी। दोस्तों, सुल्तान फिल्म को 6 जुलाई 2016 को रिलीज करने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट करते 93 मिलियन की इस फिल्म ने कमाई किया था। बता दें दोस्तों, इस परियोजना की घोषणा पहले जून 2015 में यूट्यूब पर जारी किए गए थे और इसी के साथ इसकी यानी कि सलमान खान में हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभाने के लिए इस फिल्म में प्रशंसा की गई थी और फिल्म की तैयारी के लिए सलमान खान ने साथ ही लॉरेन स्टॉल के मार्गदर्शन में कुश्ती प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। बता दें दोस्तों, अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अभिनेता साथ ही लिस विलेस्ट यानी कि उनके साथ जो सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ फिल्म में सलमान खान ऑन स्क्रीन कोच के रूप में कास्ट किए जाने की खबरें थी। हालांकि फिल्म के कार्यकारी निर्माता राजा मुखर्जी ने साफ किया कि स्टेलोन फिल्म में अभिनय नहीं करेंगी। दोस्तों, दिसंबर 2015 में रणदीप हुड्डा को बाद में फिल्म में सलमान खान के कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। कई पोचे के बाद जो है अमित साध की कथित तौर पर रशीद को युवा सुल्तान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि मार्च 2016 में उन्होंने पुष्टि किया था कि वह शाहरुख खान के साथ सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें दोस्तों, MMA के साथ जो है फाइटर टायर के साथ यानी कि बुडले को फिल्म में अन्य सैनिकों के साथ जो है जोड़ा गया था। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को सलमान खान के साथ महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए अनुष्का शर्मा ने फिल्म के लिए कुश्ती की यानी कि शिक्षा ली थी। इन फरवरी 2016 में साथ ही बास्को सीजर को फिल्म के कोरियोग्राफ के रूप में साइन किया गया था, क्योंकि साथ ही उनके साथ जो बॉबी मर्चेंट की जगह इन्होंने उनके साथ व्यक्तिगत इंसानी प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म छोड़ दी थी। फिल्म का प्री प्रोडक्शन अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था। यहाँ पे सलमान खान ने फिल्म में अपने चरित्र की एक तस्वीर इंसानी फेसबुक पर पोस्ट की थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में शुरू हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सुल्तान फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी है सुल्तान मूवी की, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके आए हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो इस फिल्म को 6 जुलाई 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। दोस्तों, बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सुल्तान फिल्म को 145 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये मूवी 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बात करें इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे। सुल्तान फिल्म की घोषणा सबसे पहले 2015 में यूट्यूब पर जारी किए गए थे। एक टीजर इसका सबसे पहले रिलीज किया गया था और फिल्म के टीजर के साथ इस मूवी की घोषणा की गई थी। फिल्म में सलमान खान दिखाई दे रहे थे और फिल्म में हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका सलमान खान इस फिल्म में निभाए हुए हैं। अरे दोस्तों, सलमान खान ने सुल्तान फिल्म के लिए अपने आपको बहुत ज्यादा चेंजेस किया था, क्योंकि फिल्म की तैयारी के लिए सलमान खान ने स्टॉल के मार्गदर्शन में कुश्ती प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। अब अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अभिनेता साथ ही सिल्वेस्टर और साथ ही स्केलेटन को भी फिल्म में खान के ऑन स्क्रीन कोच के रूप में कास्ट किए जाने की खबरें मिली थी, क्योंकि हालांकि फिल्म के कार्यकारी निर्माता राजा मुखर्जी ने साफ यहाँ पे किया था कि उन्होंने फिल्म में अभिनय नहीं करेंगे और बाद में संजय दत्त को सलमान खान के आग्रह के अनुसार जो है कोच की भूमिका निभाने की अफवाह उड़ाई गई थी। हालांकि बाद में सलमान खान ने
बताया था कि उन्होंने कभी भी संजय दत्त की भूमिका के लिए यानी कि आदित्य चोपड़ा पर जोर नहीं दिया था। दोस्तों अब दिसंबर 2015 में रणदीप हुड्डा को बाद में फिल्म में सलमान खान के कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। अब इसी तरह काई पोचे के अमित साथ के कथित तौर पर प्रसिद्ध को और इस फिल्म के लिए युवा एलसाती सुल्तान मूवी की भूमिका के लिए साइन किया गया था। बता दें दोस्तों इस फिल्म के लिए मार्च 2016 में उन्होंने पुष्टि किया था कि वह सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका फिल्म में निभा रहे हैं, जबकि MAA के साथ जो है इनके फाइटर टायरन एन साथी बुडली को फिल्म में अन्य यानी कि सेनानियों के साथ जो है सलमान खान के साथ और साइन किया गया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इस मूवी की सबसे बड़ी खबर तब आई थी जब जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को सलमान खान के साथ महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, क्योंकि एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए शर्मा ने फिल्म के लिए कुश्ती की शिक्षा ली और क्योंकि फरवरी 2016 में बास्को सीजर को फिल्म के कोरियोग्राफर के रूप में साइन किया गया था, क्योंकि साथी बेवी और साथी मर्चेट की जगह जिन्होंने व्यक्तिगत और साथी पढ़ते बर्ताव के कारण जो फिल्म में छोड़ दी थी। दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम सुल्तान मूवी की एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अली अब्बास जाफर सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी भी अली अब्बास जाफर सर ने ही लिखे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो आदित्य चोपड़ा सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है और फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट है सलमान खान एंड अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए हैं। बात करें सलमान खान के करेक्टर के बारे में तो इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रूप में सलमान खान नजर आए हैं। अनुष्का शर्मा इस फिल्म में आरफा अली खान के रूप में नजर आई है। रणदीप हुड्डा इस फिल्म में फतेह सिंह के रूप में नजर आए हुए हैं। अमित सादा इस फिल्म में आकाश ओबराय के रूप में फिल्म में काम किए हैं। सुल्तान फिल्म के लिए सबसे पहले पीठ प्रोडक्शन का काम जो अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था, क्योंकि जहां पे सलमान खान ने फिल्म में अपने चरित्र की एक तस्वीर जो है फेसबुक पर पोस्ट की थी, वहीं पे फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एनडी स्टूडियो कर्जत के ऊपर बनाई गई थी और बता दें दोस्तों यानी कि जेट बुल्लू और साथ ही मेरिडन के साथ मुंबई में शुरू हुई थी, जहाँ पे फिल्म का पहला शेड्यूल फिल्माया गया था और पहले शेड्यूल का फिल्मांकन दिसंबर 2015 के अंत में पूरा किया गया था। इस फिल्म के दूसरे शेड्यूल का फिल्मांकन जनवरी 2016 में शुरू किया गया था, जहां पे सलमान खान ने एक्शन दृश्यों के लिए फिल्माया था और वहीं पे मार्च 2016 की शुरुआत में एक गाना फिल्माया गया था जिसे जो है फराह खान ने कोरियोग्राफ भी किया था। बता दें दोस्तों फिल्म के लिए कथित तौर पर सलमान खान और अनुष्का शर्मा के बीच एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था और फिल्म के कुछ जो है सीक्वेंस में दिल्ली की 360 साल जो है पुरानी जमा मस्जिद को दिखाई गई थी और अप्रैल 2016 के अंत में मुख्य अभिनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में एन शूटिंग के लिए एक हिस्से के रूप में यानी कि स्कूटर की सवारी करते हुए फिल्म में लिया गया था इस सीन को। अब फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में लगभग 206 करोड़ से आधे की कमाई किया था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुल्तान फिल्म के अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने तीन दिनों में 206 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये पहली भारतीय फिल्म बन गई थी जिसने अपने दो तीन दिनों में इतने ज़्यादा कमाई किए थे। इसने अपने यानी कि 45 दिनों में शुरुआती हफ्ता में लगभग जो है 328 करोड़ की कमाई की थी और 3 अगस्त 2016 तक इस फिल्म ने भारत में 416 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई किया था और विदेशों के बारे में हम बात तो फिल्म ने 24 मिलियन डॉलर की कमाई की और अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। दोस्तों फिल्म ने चीन में रिलीज होने से पहले फिल्म की दुनिया भर में कमाई 589.25 करोड़ थी, जिसमें जो है भारत में 421.25 करोड़ था और विदेशों में फिल्म ने 168 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह फिल्म को 9 सितंबर 2018 तक चीन में रिलीज के बाद जो फिल्म ने दुनिया भर में 623.33 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 93 मिलियन की कमाई इस फिल्म ने किया। सुल्तान फिल्म ने अग्रिम बुकिंग के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि अपने रिलीज के दिन सुल्तान फिल्म को औसत से 70% दर्शक मिले थे और लगभग जो है 36.54 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की थी और अपने दूसरे हफ्ते के अंत तक फिल्म ने अनुमानित जो है 278 करोड़ की कमाई कर ली थी और इसका अंतिम घरेलू सकल संग्रह 421.25 करोड़ तक हो गया था। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सुल्तान फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म जैसे आप लोग को पता है 24 जुलाई 2016 तक फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में अनुमानित जो है 39.69 करोड़ तक कमाई कर लिया था। ये मूवी संयुक्त अरब इमारात और खाड़ी यानी कि सहयोग परिषद में 52.94 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और फिल्म ने यूनाइटेड किंगडम में 14.7 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। फिल्म ऑस्ट्रेलिया में 6.65 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह सारे कलेक्शन हम मिला दें
या ओवरसीज कलेक्शन को यहाँ पे 30 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की थी और फिल्म ने पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रों में 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। यूनाइटेड किंगडम में ये मूवी 1 मिलियन से अधिक के साझुए खुला और वर्ष के अंत तक जो है इनकी सकल संग्रह इस फिल्म का 1.8 मिलियन यूरो में था। इससे जो यह फिल्म 2016 की यूके दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली विदेशी भाषा की फिल्म बन गई थी। बता दें दोस्तों मूवी दंगल के नीचे और 17 जुलाई 2016 तक इस फिल्म ने साथ ही न्यूजीलैंड में 2.93 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और फिल्म ने मलेशिया में 1.9 करोड़ का संग्रह किया था और मूवी 10 जुलाई 2016 तक इस फिल्म ने साथ ही जर्मन में 33 लाख रुपए से अधिक की कमाई किए थे और जिसने तीसरे हफ्ते के अंत में फिल्म ने सुल्तान की कुल विदेशी कमाई लगभग जो है 22.57 मिलियन से अधिक बतलाया गया था। दोस्तों सुल्तान मूवी ने 3 अगस्त 2016 तक सुल्तान ने विदेशों में 24.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया था यूएस डॉलर में। इसी तरह फिल्म ने 161 करोड़ की कमाई की थी जिससे यह विदेशी बाजारों में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसकी चीन में रिलीज से पहले ही इसकी विदेशी कमाई 180 करोड़ हो गई थी और चीन में जहां फिल्म ने 31 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी इस फिल्म ने 16 सितंबर 2018 तक 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर लिया था जिसने जो है 9 सितंबर 2018 को समाप्त हो गया था और इसी के दौरान ये मूवी जो यानी कि अब एक हफ्ता ही इसके बीच जो है चीन बॉक्स ऑफिस पे 8 पर फिल्म जो है इनकी 7वें नंबर पर पहुंच गई थी और ये मूवी 9 सितंबर 2018 तो फिल्म ने विदेशों में 29.82 मिलियन की कमाई किया था। दोस्तों इस फिल्म पर आधारित जो है एक यानी कि आधिकारिक गेम जो कि 99 गेम द्वारा एंड्रॉयड एंड मोबाइल फ़ोन के लिए जारी भी किया गया था। दोस्तों फिल्म को 6 जुलाई 2016 को फिल्म की डिजिटल यानी कि कॉपी जो है यानी कि डार्कनेट में उपलब्ध होने की सूचना मिली थी और इस बात की पुष्टि करते हुए कि निर्माता द्वारा साथ ही CBSP बोर्ड को समीक्षा के लिए भेजे गए थे इंसाती नमूने से प्रति लीक बनाई गई थी कि लीक की यानी कि जांच कर रहे थे और साइबर अपराध जो है इनकी विशेष क्यों ने कहा था कि उनके साथ रिसाव की पुष्टि हो गई है और फिल्म की प्रति यानी कि उनके साथ जो है डार्क नेट पर उपलब्ध है। बता दें दोस्तों और जल्द ही यानी कि यह मूवी होगी कि टोरेंट और साथ ही यानी कि टोरेंट पर उपलब्ध है। हालांकि फिल्म के निर्माता यशराज फिल्म ने इस तरह के विकास से इनकार कर दिया था और एक निजी यानी कि अनुवेश के साथ यानी कि किस लय चौधरी ने दावा किया था कि यह फिल्म 2 घंटे और 36 मिनट लंबी फिल्म के लिए एक उपलब्ध है और उनके साथ जो है मेल टूडे के साथ जो है यानी कि उसका और स्क्रीनशॉट जो है साझा किया गया था और सुल्तान फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने ये कहा था कि जितने भी वेबसाइट पे इस फिल्म की लीक है वो वहां से इन सभी को हटा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सुल्तान मूवी की हिस्टोरी के बारे में और जानते हैं फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस फिल्म की कहानी को जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सुल्तान मूवी की कहानी स्टार्ट होती है सुल्तान अली खान से जो एक मध्यम आयु वर्ग के स्थानीय पहलवान इंसान है और पूर्व कुश्ती चैंपियनशिप में रहते हैं जो कि हरियाणा के एक छोटे से शहर में रेवाड़ी में उनका एक यानी कि एकांत जीवन जी रहे होते हैं। बता दें दोस्तों श्री पटेल द्वारा समर्थित की गई एक निजी मिश्रित जो है मार्शल आर्ट लीग के संस्थापक जो है आपका और साथी ओबरॉय को उनके पिता द्वारा जो है सुल्तान की लोकप्रियता को बचाने के लिए भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और हरियाणा की एक यात्रा करने के बाद वह सुल्तान को भर्ती का प्रस्ताव देते हैं जो कि स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह कुश्ती से पूरी तरह से यानी कि सेवानिवृत्त हो गए हैं और अपनी जो है कि सेवानिवृत्ति के पीछे के कारण की तलाश में आकाश सुल्तान ने करीबी दोस्त यानी कि गोविंदा का सामना करने के लिए कहा जो कि बताते हैं कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ था। अब सुल्तान की करियर को बताया जाता है फिल्म एक बार फ्लैशबैक में चला जाता है 2008 में सुल्तान को एक राज्य और साथ ही स्तरीय पहलवान और एक स्थानीय कुश्ती कोच की बेटी जो है कि आरफा हुसैन से प्यार हो गया था। हालांकि वह शुरू में उसके प्रति यानी कि ठंडी हो जाते हैं। 8 साल पहले की कहानी को फिल्म के अंदर बताया जाता है आरफा हुसैन से सलमान खान प्यार करने लग जाते हैं उसके प्रति ठंडे भी हो जाती है लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। बता दें दोस्तों जब वह दावा करती है कि वह प्रतिबंध होते हैं तो वह उसका यानी कि अपमान करती है और कहती है कि वह केवल एक यानी कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और पहलवान से शादी करेगी अपना यानी कि सामना जीतने के लिए दृढ़ और साथ ही संकल्प। सुल्तान खुद को गहन इंसाती प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है और अंततः एक राज्य इंसाती स्तरीय कुश्ती के साझे टूर्नामेंट जीतते हैं। साथ ही साथ यानी कि आरफा भी दोनों शादी कर लेते हैं और विभिन्न यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मान्यता प्राप्त यानी कि पहलवान बन जाते हैं।
जब दोनों को लोकप्रियता दल के लिए चुना जाता है तो आरफा को पता चलता है कि वह यानी कि गर्भवती है। वह भारत के लिए और साथ ही ओलंपिक जो यानी कि स्वर्ण पदक जीतने के अपने बचपन के सपने को छोड़ देती है, इसे जो है सुल्तान तब पूरा करता है। उसे आश्चर्य होता है कि सुल्तान की उपलब्धि उसे जो है घमंडी बना देता है और वह एक यानी कि कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट को थप्पड़ मार देती है, एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वह तुर्की में साथी एशवर्ट जीतने के लिए आरफा को उसके जो है नियम उसकी नियत तारीख के करीब जो है इनकी छोड़ देता है। वहाँ से लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके जो है इनके नवजात बेटे की गंभीर इंसाती रक्तपालता के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। बच्चे के पास एक यानी कि दुर्लभ ओ के साथ जो है रक्त प्रकार था जो कि सुल्तान के सामना करना पड़ रहा था, जिसकी जो है इनकी अनुपस्थिति ने बच्चे को यानी कि डांटा से और साथ ही वंचित कर दिया था। और गुस्से में आरफा सुल्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है और अपनी पत्नी और बच्चों को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का यानी कि ब्लड और साथ ही बैंक खोलने के लिए धन जुटाता है जहाँ पे उसके बच्चे जी सके और जितने भी उस तरह के बच्चे हैं उनको दवा मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों सलमान खान की कहानी कुछ इस तरह से इस फिल्म में बतलाई गई है। फ्रेंड इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सुल्तान। दोस्तों अगर आप लोग सुल्तान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं। बता दें दोस्तों, आज के समय में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के पुरस्कार शबी बोल्ट के साथ जो है बैंक खोलने के उसके सपने को पूरा करेगी। सुल्तान वहाँ से भाग लेने के लिए उस हिस्सा में भाग लेने के लिए सहमत हो जाते हैं और दिल्ली में साथी प्रशिक्षण के लिए यात्रा भी करना शुरू कर देते हैं, जहां पे आकाश उसे जो है कि एमएमए को कोच कहते हुए और फतेह सिंह के साथ जो है इनकी मिलवाते हैं, जो शुरू में उसे मना कर दिया है कोचिंग करने के लिए, लेकिन उसकी यानी कि दृढ़ एंड संकल्प को देखने के बाद जो है सहमत हो जाते हैं। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद जो है सुल्तान अपनी काया को वापस पा लेता है और उसके साथ सीखता है कि उनके साथ जो इनकी फ्री स्टाइल में कुश्ती कैसे की जाती है। और अपनी पहली यानी कि लाइन में सुल्तान ने अपनी जो है इनकी प्रतिष्ठित कुश्ती शैली का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को हरा दिया था और वह जल्दी मोचों की यानी कि एक श्रृंखला और साथ ही जीत कर और इसी प्रक्रिया में आरफा का समर्थन यानी कि हासिल करते हुए दिखाई दिए थे और एक राष्ट्रीय व्यापी यानी कि सनसनीखेज बन जाती है। सलमान खान इस फिल्म में एक मुकाबला जीतने के बाद प्रतिद्वंदी टायरन एंड बुडली के खिलाफ जो है यानी कि सेमीफाइनल के दौरान जो है सुल्तान और साथ ही लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताया जाता है कि सुल्तान को दोबारा युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं यानी कि ऐसा करने से इनकी जान न चली जाए, उसकी चोट जो है इनकी घातक हो जाएगी। और आरफा यानी कि बोर्ड में आती है और उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। बता दें दोस्तों, सेमीफाइनल मैच के दौरान जो है सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपने जो है दर्द पर काबू पा लेता है और अंत में टूर्नामेंट जीत जाता है और अपनी पत्नी के साथ फिर से सुल्तानपुर यानी कि चला जाता है। इसी के साथ सुल्तान को पुरस्कार दिए जाते हैं उपयोग करके यानी कि ब्लड बैंक खोलता है और आरफा कुश्ती शुरू करती है। कुछ साल बाद वह एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसे सुल्तान पहलवान के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। तो दोस्तों ये है सुल्तान फिल्म की कहानी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप सुल्तान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। सुल्तान फिल्म वॉज द रिलीज ऑन वर्ल्ड वाइड ऑन 6 जुलाई 2016। इट इज़ द हाइएस्ट ग्रॉसिंग 623 करोड़ इन द यूएसए कन्वर्ट टू द 93 मिलियन वर्ल्ड वाइड क्लब। सुल्तान अली खान इज द मिडिल एंड एज द लोकल एंड वरिस्टर एंड इज द एंड वरिस्टिंग द एंड कॉम्पियन एंड द चैंपियनशिप लिविंग द एंड लोनली एंड लाइफ इन द स्मॉल टू द ऑफ द एंड रोवरी इन हरियाणा इन द हरियाणा आकाश ओवरे टू द एंड फाउंडर द ऑफ द एंड प्राइवेट मिक्सिड द एंड मटेरियल आर द एंड लिक्विडी एंड बिकेट बाय द मिस्टर पटेल एंड द इको नॉरिश बाय द एंड फादर टू द एंड रिकल द एंड सुल्तान टू बी एंड सेल्वेज इट इज द एंड पॉपुलरिटी आफ्टर द एंड ट्रेवलिंग टू बी इन हरियाणा ही द एंड गिव द एंड द रिक्रूटमेंट ऑफिसर टू बी सुल्तान हु द एंड ऑन द ही ब्लेटनी एंड रिफर टू द एंड साइज टू बी हिज द एंड कम्प्लीटली एंड रिटायर्ड फ्रॉम द एंड वरिस्टेड द एंड सर्च ऑफ द एंड रीजन द बेहन हिज द in retirement the Akash and confirmed the Sultan is the in close friend Govind
क्लोज फ्रेंड गोबिंद हुदा एंड नरेटेड द हाउ इज द सुल्तान इज द करियर बिगेन इन द दिस टाइम एंड करियर बिगेन इन 2008 द सुल्तान फेल इन लव विद द एन साइड ऑफ द आरफा हुसैन एज द स्टेल लेवल द इन्वेस्टर एंड डॉटर ऑफ द एन लोकल द इन्वेस्टिंग द कोच एंड अल्थाउ हिज द एन सी इंटीरियरली कोल्ड द एंड टोट ऑफ हिज द एंड एक्सेप्ट सुल्तान हिज द फ्रेंड व्हेन ही द एंड क्लाइम टू एंड एरी द एंड कमिटेड द सी हिज द इंसल्ट हिम द एंड सेइंग सो वर्ल्ड बी ओनली मेरी will be entered in worsted the and determined to be windy in respect sultan the and dedicated the himself to be and enters the and training to be and ultimately wins in sultan the and level the and resting the and tournament the all the will arifa the to get the and merit the and because the and recognize the and worsted the and replant the india is the in various international games win the and two are the and selected from the and olympic the and conto and the conto nation the arifa and discover the and pregnant in the pregnancy the and give up the hair the childhood dream of the and winning an olympic the and gold medal for the india with the sultan thendi and full time to hair the and surprise sultan is the and acclimation make he the and orge in the and arogan he is the slap the and reported to be an event the also the and level the and arfa and nearing hair the do you dare to be win the gold at the and turkey open the returning is the fine to be thread the and newborn son had the and bad do you to his the and sever the and anemia severe anemia the body had the and rear the o blood tribe is the and identity is the identical to be sultan hit the and which the and or essence is the and deprived to be chill of the endo hit the denote the and aggressed to be an arfa and decide to be and leave the sultan the and decide to be with the and father and depressed to be and from the and lodging hit the wife is the soul and the chill sultan the and is found to be an open a block open a and the blood bank of the his the surname is the son Sultan in the present day the in Akash the in promise Sultan thread the and tournament in prize money will be and fulfill his the and dream of the in opening to and blood bank Sultan the agreed to be and participated and the and travel to be entered in Delhi where the Akash introduced the to him to MMA and coach the and Fateh Singh with the entirely and refused to be him but the and agree after the and saying his the and determination after 2 months of the and time to be Sultan the and regain to his the and Faisuki is the learning how to and rested the and in free style in his the and frost fight the sultan and defeated to be an opening to and using his the and iconic use the and oriental style he is the son and become his the and neat white to be an sensation of the winning his the and series of the major and his the gain in arfa and support in the end process with the end during to be and semi final round of the again and opened to be tied to the widely and sultan wish to be and fight is the and severely injured to be and in the hospitalized is the end doctor the in from to be Akash the sultan and soul of the fight again and last hit the in journalist to be in become the end for end the in fatal arfa is the in arrived to be ward and the and motivated to his the and continue the fight his the enduring to final match is the sultan the and overcome his the end pain to be in defect to be is the opening to and ultimately win the end tournament the end reunited with the wife the sultan opened the and blood bank using the and prize money and arfa the resumed the investing to be a few years later give the and birth to be in baby girl with the sultan and begin to be entered as the investor his the movie sultan movie is the october 2015 theater the and report of the american actor the and silver star astronaut his the began cast in the movie film as the salman khan on screen the coach however the and raja mukherjee the expect to be in producer of the film and clear that Tethi and Estlon will be not be acting in the film and later the Sanjay the Swas the and remote to be play the role of the and coach the and according to be Salman Khan is the instead to be however Salman Khan and later the and reported to be and never the and instead to be Aditya Chopra for the and Sanjay the of the movie In December 2015, Randeep Hooda was the and later the signed to be played the Salman Khan coach of the movie.
द फिल्म इज द अमीर साथ ऑफ द किया पोची इज द फेम वॉज द एंड रिपोर्टेड द इंसिडेंट फॉर द रोल ऑफ द यंग सुल्तान हाउएवर इन मार्च 2016 ही द कन्फर्म टू बी इज द एंड प्लेइंग द रोल ऑफ द सलमान खान इज द यंग ब्रोदर एन एमएमए फाइटर द एंट्रिंग इन द ट्राइंग टू वर्ल्ड हिज द एंड बिगिन टू बी सीन एट द एंड ऑपोजिट सलमान खान विद द In other fight in the movie film. In January 2016, Anushka Sharma was the signed to play the film his the lead role and opposite the Salman Khan. For her, the role is the investor and Sharma took the investing to be and listen for the film. In the February 2016, Basco and Kishore were the and signed to be and choreographer of the film and replaced the and by V and Machandi who the and left the film due to the and personal and commitment. The pre-production of the film started on October 2015 where the Salman Khan and posted to the and photo his the and the character the in on the Facebook and principal photographer of the film and started in the December 2015 and the ND studio the and Karchat with the NGW and Marriott of the Mumbai where the film is the and for the schedule was the filming of the first in schedule had the and completely in the lead and December 2015 and the filming of the and second schedule was the and started in the January 2016 where the and Salman Khan and filmed from the and action sequence and song of the and was the and filmed in the early March 2016 the and the choreographer by the Farha Khan and action sequence the and between Salman Khan and Anushka Sharma was the and reportedly filmed the and song of the and sequence of the movie will be in future the 360 years old the Jama Masjid of the Delhi in late the April 2016 the and lead actor Salman Khan was the seen and right of the and scooter as the and part of the shooting in the Muzaffarnagar. दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अनुष्का शर्मा की ब्लॉकबस्टर मूवी सुल्तान को. तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में. तो इनका जन्म वर में 1988 को हुआ था और इनका एज 34 साल की हो चुकी है. दोस्तों आप लोग को पता है फेमस क्रिकेटर विराट कोहली से इनका विवाह हुआ था 2017 में और इन्होंने एक जो है अच्छे इंसान से विवाह की है. जी हाँ दोस्तों अगर आप जो है विराट कोहली को पसंद करते हो तो आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बात करते हैं अनुष्का शर्मा के बारे में विस्तार से. तो सबसे पहले आपको बता दें इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत सबसे पहले 2007 में फैशन डिजाइनर वेडन के साथ जो है इनकी रडिस के लिए अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट इन्होंने साइन किया था और बाद में एक मॉडल के रूप में पुनर्कालिक के करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई थी. उन्होंने बेहद जो है सफल रोमांटिक फिल्म रब ने बना दी जोड़ी मूवी 2008 में शाहरुख खान के साथ अभिनय की शुरुआत की और यशराज फिल्म के रोमांस और साथ ही बैंड बाजा बारात मूवी 2010 के साथ और जब तक है जान मूवी 2012 में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी. बात के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार इनको दिया गया था. अनुष्का शर्मा ने क्राइम थ्रिलर मूवी NH10 2015 में अभिनय किया और नाटक दिल धड़कने दो मूवी 2015 में और ए दिल है मुश्किल 2016 में और सुई धागे फिल्म 2018 में मजबूत इरादों वाली महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा अर्जित की थी. उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी स्पोर्ट यानी कि ड्रामा मूवी सुल्तान है जिसे आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. दोस्तों सुल्तान मूवी को 2016 के अंदर रिलीज किया गया था. इस फिल्म में राजकुमार हिरानी की धार्मिक एनसाथी वंगेत पीके मूवी 2014 में भी रिलीज हुई थी. दोस्तों अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन कंपनी साथी कुल स्टाइल के साथ जो फिल्म की और साथ ही सह स्थापक भी है जिसके तहत जो है उन्होंने NH10 सहित जो है कई फिल्मों का निर्माण किया है और वह कई ब्रांडों और कई उत्पादों के लिए राजदूत भी है. उन्होंने महिलाओं के लिए एक कपड़ों की अपनी जो है लाइन तैयार की है यहाँ पे जिसका नाम नूस रखी है. इन्होंने बता दें दोस्तों लैंगिक इंसाफ समानता और पशु अधिकारों सहित जो विभिन्न दान और साथ ही कारणों का समर्थन करती है. अनुष्का शर्मा ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से अपनी शादी की है. बता दें दोस्तों प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करें तो मॉडलिंग करियर अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था. उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा एक सेना अधिकारी है और उनकी माँ आशिमा एक शर्मा एक गृहिणी इंसान है. बता दें दोस्तों इनका पुश्तैनी घर जो है इनके नेस बिला रोड पर उत्तराखंड के साथ ही देहरादून शहर में है और साथ ही भारतीय सेना में शामिल होने से पहले उनके पिता यहाँ रहते थे और अनुष्का शर्मा की दादी यानी कि दर्मिला आज भी उनके घर में रहती है. एन साथ ही शर्मा जो है बचपन में एन साथ ही नाइसिल्वा रोड के शिला भवन में रहते हैं. बता दें दोस्तों उनके पिता उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मूल निवास है, जबकि जो है उनकी माँ एक जो है इनकी गढ़वाली है और उनके बड़े भाई जो फिल्म निर्माता कर्णेश शर्मा है, जिन्होंने पहले जो है मर्चेंट एंड नेवी में काम किया था। इन अनुष्का शर्मा ने कहा है कि एक जो है सैन्य अंसाधी बउआ ने उन्हें जो है एक यानी कि व्यक्ति के रूप में आकार देने और उनके जीवन में यानी कि योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं एक अभिनेता होने से भी ज़्यादा एक सेना अधिकारी की बेटी हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अनुष्का शर्मा ने शाहरुख खान के साथ आदित्य चोपड़ा की रोमांटिक ड्रामा रब ने बना दी जोड़ी फिल्म में अभिनय किया था, जिसे 2008 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, 2008 में अभिनय की शुरुआत की इस फिल्म से उन्होंने यशराज फिल्म स्टूडियो में अपने जो स्क्रीन टेस्ट की तैयारी के लिए एक दिन का समय लिया था और तुरंत एक यानी कि करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कंपनी के साथ तीन फिल्मों के सौदों के लिए साइन किया था और शाहरुख खान द्वारा चित्रित किए गए एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में एक युवा दुल्हन यानी कि ताना सहानी की प्रमुख भूमिका फिल्म के अंदर निभाई। हिंदुस्तान टाइम्स के खालिद मोहम्मद ने उन्हें फिल्म में एक यानी कि अस्वस्थ अवसादी ईमानदार पाया था, लेकिन निकहत काजमी ने सोचा था कि उनके पास सभी यानी कि उनके साथ यानी कि चुट जाबी का कमी हुई है, इन साथी मुश्किल से यानी कि आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ये मूवी एक प्रमुख यानी कि व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जो उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए शर्मा फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया था। दो साल बाद अनुष्का शर्मा ने अपराध कॉमेडी मूवी बदमाश कंपनी में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जिसका निर्देशन परमीत सेट्टी ने किया था और शाहिद कपूर एंड बीएड दास में और साथी यानी कि मेयांग चांग के साथ जो अभिनय किया था। फिल्म जो कि चार असफल मित्रों की कहानी बताती है जो एक घोटाला व्यापार यानी कि उद्यम शुरू करते हैं और उनके साथ मिश्रित समीक्षा भी बनाते हैं। 2010 में बैंड बाजा बारात मूवी के साथ यानी कि डीपीटी के लॉन्च पर सह कलाकार जो है रणबीर सिंह के साथ शर्मा का बाद में 2010 में अनुष्का शर्मा ने बैंड बाजा बारात फिल्म में अभिनय करके यशराज फिल्म के साथ अपनी तीन फिल्म यानी कि अनुबंध पूरा किया, जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी और सह अभिनेत यानी कि रणबीर सिंह के साथ थी। उनकी भूमिका श्रुति कक्कड़ की थी जो एक महत्वाकांक्षी मध्यम वर्गीय पंजाबी लड़की की थी जो एक यानी कि अपना खुद का शादी की योजना बनाने का व्यवस्था शुरू करती है फिल्म के और वहां से भाग की तैयारी में अनुष्का शर्मा ने पंजाबी बोली में बोलना भी सीखा था, जिसे उन्होंने अपनी भूमिका के लिए सबसे कठिन भाग के रूप में उद्धृत किया है। उन्होंने फिल्म के मुख्य पात्रों के साथ जो है बातचीत करने के तौर तरीके को इंसाती कच्चा लेकिन प्यारा बतलाया था और इसके लिए उन्होंने तेजी से बात करने और कभी कभी यानी कि शब्दों को मिलाने और यहाँ तक कि शब्दों को पूरी तरह से छोड़ देने की आवश्यकता थी, इन साथ ही व्यापार विश्लेषकों ने इस पर जो है संदेह किया था। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सुल्तान। इस फिल्म को 2016 में रिलीज किया गया था और ये मूवी अनुष्का शर्मा की करियर की सबसे बड़ी फिल्म है क्योंकि इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले अनुष्का शर्मा की कोई भी मूवी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। दोस्तों, अगर बात करें रब ने बना दी जोड़ी फिल्म के बारे में तो इस फिल्म ने भी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं किया था 2008 में। दोस्तों, जब पूरी तरह से अनुष्का शर्मा ने व्यापार इन साथी विश्लेषकों ने यशराज फिल्म की पिछली कुछ जो है प्रस्तुतियों की माध्यम इन प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए एक पुरुष स्टार की कमी का हवाला देते हुए बैंड बाजा बारात फिल्म की व्यक्तित्व इन साथी संभावना पर संदेह व्यक्त किया था और कहा था कि तब तक जो है यानी कि शर्मा एक लगभग जो है इनकी भूल गई थी और अभिनेत्री जो है यानी कि हालांकि बैंड बाजा बारात फिल्म ने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की और स्लीपर हिट के रूप में ये मूवी उभरी एन अनुष्का शर्मा के प्रदर्शन की आलोचना भी की गई थी। बता दें दोस्तों, फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था और जिसमें जो है यानी कि कई ने इसे उस समय तक जो है अपना सर्वश्रेष्ठ काम भी बतलाया था। फिल्म आलोचक अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि यानी कि अनुष्का शर्मा अपने आप में महत्वाकांक्षी दिल्ली की लड़की के रूप में आती है जो कि करोड़ों इन साथी सैनिक जो है यानी कि फर्म ऑडियो में साथी अपग्रेड करने का सपना देखती है और फिल्म में एक अपने काम के लिए शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन भी प्राप्त किया था। दोस्तों, अनुष्का शर्मा का पहला उद्यम यशराज फिल्म द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित की गई और
और अक्षय कुमार की सह अभिनीत जो है नाटक इंसाधी पटियाला हाउस मूवी 2011 की फिल्म थी। बता दे दोस्तों, फिल्म एक नवोदित क्रिकेटर कुमार धारा अभिनीत की कई कहानी बतलाती है, जिसे अपने जो है पेशे के बारे में अपने पिता को समझाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनुष्का शर्मा को अक्षय कुमार के चरित्र की प्रेम रुचि के रूप में लिया गया था। Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने भी अनुष्का शर्मा के काम की प्रशंसा की थी और उन्हें ऊर्जा का रूपक करार दिया गया था। उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी ड्रामा लेडीज वर्सेस रिकी बहल फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म में सहकलाकार रणबीर सिंह और साथ ही निर्देशक जो है मनीष शर्मा के साथ फिल्म में काम किया था और उसने इसी का देसाई के रूप में अपनी अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि एक यानी कि सेल्स गर्ल इंसान है। इसे एक ठग सिंघारा साथ ही यानी कि निम्बधित को मात देने के लिए किया जाता है काम पर रखा गया था, जो कि इसके बजाय उसके प्यार में पड़ जाता है। अब जिसको उसके खिलाफ खड़ा किया गया था फिल्म में, उसे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद और शर्मा के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली और NDTV की पियाली एन साथी दास गुप्ता ने उन्हें जो है विश्वसनीय लेकिन प्रिय नहीं कहा था। बता दे दोस्तों, मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक माध्यम सफलता साबित हुई थी। 2012 में अनुष्का शर्मा ने यश चोपड़ा के हंस गीत रोमांस यानी कि जब तक है जान फिल्म में शाहरुख खान के साथ और कैटरीना कैफ के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में इन्होंने काम किया था और यशराज फिल्म के साथ यानी कि आगरा पांचवा सहयोग और यहीं पे शाहरुख खान के साथ सलमान खान के साथ उनका दूसरा सहयोग था और उन्हें एक यानी कि डिस्कवरी चैनल रिपोर्टर इन अकीरा राय के रूप में इनको इस फिल्म में लिया गया था। अनुष्का शर्मा को इस फिल्म में रिपोर्टर अकीरा रॉय के रूप में लिया गया था, जो एक यानी कि वृत्त चित्र फिल्म निर्माता होने की महत्वाकांक्षाओं को बरकरार रखती है। राजीव मंसद ने लिखा है कि अनुष्का शर्मा फिल्म में एक यानी कि चिंगारी लाती है, लेकिन राजा सेन असहमत थे और कहा कि जबकि अनुष्का यानी कि वास्तव में साहसी खेल सकती है तो उन्हें यह जो है कि इसे और कई स्तरों पर टोन करने की जरूरत है। बता दें दोस्तों, अपनी भूमिकाओं के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। जब तक है जान मूवी 2012 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है सुल्तान। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके आए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगली बार अनुष्का शर्मा जो है विशाल भारद्वाज की मात्र की बिजली का मंडोला फिल्म 2013 में दिखाई दिए, जो हरियाणा के एक गांव में स्थापित मूवी है। एक यानी कि राजनीतिक और साथी व्यंग है और पंकज कपूर, इमरान खान और शबाना आजमी के साथ सौ अभिनीत जो है शर्मा ने बिजली एन साथी मंडोला फिल्म की मुख्य भूमिका निभाई, जो एक मजबूत यानी कि सिर वाली लड़की है जो कि किसी अन्य व्यक्ति से सगाई होने के बावजूद जो है सलमान खान के चरित्र के साथ रोमांटिक संबंध में संलग्न होती है। इस फिल्म को समीक्षकों से मिले जुली समीक्षाओं के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन भी इस फिल्म ने किया था। बता दें दोस्तों, कई आलोचकों ने नोट किया है कि अनुष्का शर्मा को एक जोरदार और साथ ही लचक लड़की के रूप में देखा जा रहा था। फिल्म के बारे में राजा सिंह ने उल्लेख किया है कि वह यानी कि क्लाइमेक्स के निकट कुछ यानी कि दृश्यों में महान दिखती है। हालांकि डेली न्यूज एंड एनालिसिस की कनिका इंसाती सिक्का जो है अधिक आलोचनात्मक थी और उन्हें जो है संबंध पाया था। बता दें दोस्तों, ये फिल्म 2014 में अनुष्का शर्मा ने राजकुमार हिरानी के धार्मिक जो है कि वैंग के साथ पीके फिल्म में एक टेलीविजन पत्रकार की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो एक यानी कि एलियन आमिर खान द्वारा अभिनीत से दोस्त कर लेती है फिल्म के अंदर। और आलोचकों इंसाती सेवल चटर्जी ने लिखा है कि अनुष्का शर्मा ने एक यानी कि उत्साही इंसाती उनके साथ कविता के साथ जो है प्रेमी लड़की की भूमिका निभाई है, जो अपने जो है मन को अधिकांश हिंदी फिल्म जो है इनकी नायिकाओं की तुलना में कही थी और अधिक जो है जानती थी और सलमान खान के और आमिर खान के खिलाफ जो है अपने आप को फिल्म में यानी कि पकड़ने के लिए उनकी प्रशंसा की थी। इन समीक्षकों द्वारा उनके साथ जो है प्रोसेस जो है पीके सेवन इन साथ ही विलन के साथ जो है यूसे में कन्वर्ट कर दे तो 92 मिलियन से अधिक के विश्वव्यापी इन राशों के साथ जो है सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में मूवी उभरी थी। बता दें दोस्तों, पीके फिल्म ने अपने सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया था 2014 में, क्योंकि 92 मिलियन से अधिक के विश्वव्यापी राशों के साथ
साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में मूवी उभरी थी। अनुष्का शर्मा ने साथी जोहन की क्लीन स्टाइल के साथ जो है और साथ ही फिल्मज नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की थी, जिसकी जो है पहले रिलीज मूवी नवदीप सिंह की थ्रिलर मूवी NH-10 था, जो 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें जो है उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में नजर आई थी, मुख्य भूमिका भी निभाई थी और पांचवी यानी कि बीजिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई थी। और यह एक यानी कि विवाहित जोड़े की कहानी कहता है जिनकी जीवन जो है अपराधियों के एक समूह के साथ यानी कि मुठभेड़ के बाद यानी कि खतरे में पड़ जाती है। बता दें दोस्तों, तैयारी में अनुष्का शर्मा ने अपनी यानी कि सहन शक्ति बनाने के लिए 3 महीने के अंतराल जो है यानी कि प्रशिक्षण किया था और साथ ही साइबल चटर्जी ने फिल्म को एक यानी कि तंग और साथ ही रोमांचक थ्रिलर मूवी के रूप में पाया और अनुष्का शर्मा की प्रशंसा की गई थी एक तरह की यानी कि मनोदशाओं को व्यक्त करने के लिए, जब वह एक यानी कि लड़ाई में कमजोर से निडर की ओर जो है बढ़ती है जिसमें उनके खिलाफ जो है भारी बढ़ाई होती है और साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस टाइम की प्रशंसा इस मूवी में शामिल थी। दोस्तों, सुल्तान फिल्म को 6 जुलाई 2016 को रिलीज करने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट करते 93 मिलियन की इस फिल्म ने कमाई किया था। बता दें दोस्तों, इस परियोजना की घोषणा पहले जून 2015 में यूट्यूब पर जारी किए गए थे और इसी के साथ इसकी यानी कि सलमान खान में हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभाने के लिए इस फिल्म में प्रशंसा की गई थी और फिल्म की तैयारी के लिए सलमान खान ने साथ ही लॉरेन स्टॉल के मार्गदर्शन में कुश्ती प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। बता दें दोस्तों, अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अभिनेता साथी लिस विलिस यानी कि उनके साथ जो सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ फिल्म में सलमान खान ऑन स्क्रीन कोच के रूप में कास्ट किए जाने की खबरें थी। हालांकि फिल्म के कार्यकारी निर्माता राजा मुखर्जी ने साफ किया कि स्टेलोन फिल्म में अभिनय नहीं करेंगी। दोस्तों, दिसंबर 2015 में रणदीप हुड्डा को बाद में फिल्म में सलमान खान के कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। कई पोचे के बाद जो है अमित साध की कथित तौर पर रशीद को युवा सुल्तान की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि मार्च 2016 में उन्होंने पुष्टि किया था कि वह शाहरुख खान के साथ सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें दोस्तों, MMA के साथ जो है फाइटर टायर के साथ यानी कि बुडले को फिल्म में अन्य सैनिकों के साथ जो है जोड़ा गया था। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को सलमान खान के साथ महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए अनुष्का शर्मा ने फिल्म के लिए कुश्ती की यानी कि शिक्षा ली थी। इन फरवरी 2016 में साथी बास्को सीजर को फिल्म के कोरियोग्राफ के रूप में साइन किया गया था, क्योंकि साथी उनके साथ जो बॉबी मर्चेंट की जगह जिन्होंने उनके साथ व्यक्तिगत इंसाफी प्रति बर्ताव के कारण फिल्म छोड़ दी थी। फिल्म का प्री प्रोडक्शन अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था। यहाँ पे सलमान खान ने फिल्म में अपने चरित्र की एक तस्वीर इंसाफी फेसबुक पर पोस्ट की थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में शुरू हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सुल्तान फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी है सुल्तान मूवी की, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आए हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो इस फिल्म को 6 जुलाई 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। दोस्तों, बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सुल्तान फिल्म को 145 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये मूवी 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बात करें इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे। सुल्तान फिल्म की घोषणा सबसे पहले 2015 में यूट्यूब पर जारी किए गए थे। एक टीजर इसका सबसे पहले रिलीज किया गया था और फिल्म के टीजर के साथ इस मूवी की घोषणा की गई थी। फिल्म में सलमान खान दिखाई दे रहे थे और फिल्म में हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका सलमान खान इस फिल्म में निभाए हुए है। अरे दोस्तों, सलमान खान ने सुल्तान फिल्म के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा चेंजेस किया था, क्योंकि फिल्म की तैयारी के लिए सलमान खान ने स्टॉल के मार्गदर्शन में कुश्ती प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। अब अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अभिनेता साथ ही सिल्वेस्टर और साथ ही स्केलेटन को भी फिल्म में खान के ऑन स्क्रीन कोच के रूप में कास्ट किए जाने की खबरें मिली थी, क्योंकि हालांकि फिल्म के कार्यकारी निर्माता राजा मुखर्जी ने साफ यहाँ पे किया था कि उन्होंने फिल्म में अभिनय नहीं करेंगे और बाद में संजय दत्त को सलमान खान के आग्रह के अनुसार जो है कोच की भूमिका निभाने की अफवाह उड़ाई गई थी। हालांकि बाद में सलमान खान ने
बताया था कि उन्होंने कभी भी संजय दत्त की भूमिका के लिए यानी कि आदित्य चोपड़ा पर जोर नहीं दिया था। दोस्तों अब दिसंबर 2015 में रणदीप हुड्डा को बाद में फिल्म में सलमान खान के कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। अब इसी तरह काई पोचे के अमित साथ के कथित तौर पर प्रसिद्ध को और इस फिल्म के लिए युवा एलसाते सुल्तान मूवी की भूमिका के लिए साइन किया गया था। बता दें दोस्तों इस फिल्म के लिए मार्च 2016 में उन्होंने पुष्टि किया था कि वह सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका फिल्म में निभा रहे हैं, जबकि MAA के साथ जो है इनके फाइटर टायरन एंड साथी बुडली को फिल्म में अन्य यानी कि सेनानियों के साथ जो है सलमान खान के साथ और साइन किया गया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इस मूवी की सबसे बड़ी खबर तब आई थी जब जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को सलमान खान के साथ महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, क्योंकि एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए शर्मा ने फिल्म के लिए कुश्ती की शिक्षा ली और क्योंकि फरवरी 2016 में बास्को सीजर को फिल्म के कोरियोग्राफर के रूप में साइन किया गया था, क्योंकि साथी बेवी और साथी मर्चेट की जगह जिन्होंने व्यक्तिगत और साथी प्रतिबद्धताओं के कारण जो फिल्म में छोड़ दी थी। दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम सुल्तान मूवी की एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अली अब्बास जाफर सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी भी अली अब्बास जाफर सर ने ही लिखे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो आदित्य चोपड़ा सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है और फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट है सलमान खान एंड अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए हैं। बात करें सलमान खान के करेक्टर के बारे में तो इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रूप में सलमान खान नजर आए हैं, अनुष्का शर्मा इस फिल्म में आरफा अली खान के रूप में नजर आई है, रणदीप हुड्डा इस फिल्म में फतेह सिंह के रूप में नजर आए हुए हैं, अमित सादा इस फिल्म में आकाश ओबराय के रूप में फिल्म में काम किए हैं। सुल्तान फिल्म के लिए सबसे पहले पीट प्रोडक्शन का काम जो अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था, क्योंकि जहां पे सलमान खान ने फिल्म में अपने चरित्र की एक तस्वीर जो है फेसबुक पर पोस्ट की थी, वहीं पे फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एनडी स्टूडियो कर्जत के ऊपर बनाई गई थी और बता दें दोस्तों यानी कि जेट बुल्लू और साथ ही मेरिडन के साथ मुंबई में शुरू हुई थी, जहां पे फिल्म का पहला शेड्यूल फिल्माया गया था और पहले शेड्यूल का फिल्मांकन दिसंबर 2015 के अंत में पूरा किया गया था। इस फिल्म के दूसरे शेड्यूल का फिल्मांकन जनवरी 2016 में शुरू किया गया था, जहां पे सलमान खान ने एक्शन दृश्यों के लिए फिल्माया था और वहीं पे मार्च 2016 की शुरुआत में एक गाना फिल्माया गया था जिसे जो है फराह खान ने कोरियोग्राफ भी किया था। बता दें दोस्तों फिल्म के लिए कथित तौर पर सलमान खान और अनुष्का शर्मा के बीच एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था और फिल्म के कुछ जो है सीक्वेंस में दिल्ली की 360 साल जो है पुरानी जमा मस्जिद को दिखाई गई थी और अप्रैल 2016 के अंत में मुख्य अभिनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में एंड शूटिंग के लिए एक हिस्से के रूप में यानी कि स्कूटर की सवारी करते हुए फिल्म में लिया गया था इस सीन को। अब फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में लगभग 206 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुल्तान फिल्म के अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने तीन दिनों में 206 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये पहली भारतीय फिल्म बन गई थी जिसने अपने दो तीन दिनों में इतने ज़्यादा कमाई किए थे। इसने अपने यानी कि 45 दिनों में शुरुआती हफ्ता में लगभग जो है 328 करोड़ की कमाई की थी और 3 अगस्त 2016 तक इस फिल्म ने भारत में 416 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई किया था और विदेशों के बारे में हम बात तो फिल्म ने 24 मिलियन डॉलर की कमाई की और अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। दोस्तों फिल्म ने चीन में रिलीज होने से पहले फिल्म की दुनिया भर में कमाई 589.25 करोड़ थी, जिसमें जो है भारत में 421.25 करोड़ था और विदेशों में फिल्म ने 168 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह फिल्म को 9 सितंबर 2018 तक चीन में रिलीज के बाद जो फिल्म ने दुनिया भर में 623.33 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 93 मिलियन की कमाई इस फिल्म ने किया। सुल्तान फिल्म ने अग्रिम बुकिंग के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि अपने रिलीज के दिन सुल्तान फिल्म को औसत से 70% दर्शक मिले थे और लगभग जो है 36.54 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की थी और अपने दूसरे हफ्ते के अंत तक फिल्म ने अनुमानित जो है 278 करोड़ की कमाई कर ली थी और इसका अंतिम घरेलू सकल संग्रह 421.25 करोड़ तक हो गया था। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सुल्तान फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म जैसे आप लोग को पता है 24 जुलाई 2016 तक फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में अनुमानित जो है 39.69 करोड़ तक कमाई कर लिया था। ये मूवी संयुक्त अरब इमारात और खाड़ी यानी कि सहयोग परिषद में 52.94 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और फिल्म ने यूनाइटेड किंगडम में 14.7 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। फिल्म ऑस्ट्रेलिया में 6.65 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह सारे कलेक्शन हम अगर हम मिला दें
या ओवरसीज कलेक्शन, तो यहाँ पे 30 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की थी और फिल्म ने पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रों में 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। यूनाइटेड किंगडम में ये मूवी 1 मिलियन से अधिक के साझुए खुला और वर्ष के अंत तक जो है इनकी सकल संग्रह इस फिल्म का 1.8 मिलियन यूरो में था। इससे जो यह फिल्म 2016 की यूके दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली विदेशी भाषा की फिल्म बन गई थी। बता दें दोस्तों मूवी दंगल के नीचे और 17 जुलाई 2016 तक इस फिल्म ने साथ ही न्यूजीलैंड में 2.93 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और फिल्म ने मलेशिया में 1.9 करोड़ का संग्रह किया था और मूवी 10 जुलाई 2016 तक इस फिल्म ने साथ ही जर्मन में 33 लाख रुपए से अधिक की कमाई किए थे और जिसने तीसरे हफ्ते के अंत में फिल्म ने सुल्तान की कुल विदेशी कमाई लगभग जो है 22.57 मिलियन से अधिक बतलाया गया था। दोस्तों सुल्तान मूवी ने 3 अगस्त 2016 तक सुल्तान ने विदेशों में 24.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया था यूएस डॉलर में। इसी तरह फिल्म ने 161 करोड़ की कमाई की थी जिससे यह विदेशी बाजारों में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसकी चीन में रिलीज से पहले ही इसकी विदेशी कमाई 180 करोड़ हो गई थी और चीन में जहां फिल्म ने 31 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी इस फिल्म ने 16 सितंबर 2018 तक 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर लिया था जिसने जो है 9 सितंबर 2018 को समाप्त भी हो गया था और इसी के दौरान ये मूवी जो यानी कि अब एक हफ्ता ही इसके बीच जो है चीन बॉक्स ऑफिस पे 8 पर फिल्म जो है इनकी 7वें नंबर पर पहुंच गई थी और ये मूवी 9 सितंबर 2018 तो फिल्म ने विदेशों में 29.82 मिलियन की कमाई किया था। दोस्तों इस फिल्म पर आधारित जो है एक यानी कि आधिकारिक गेम जो कि 99 गेम द्वारा एंड्रॉयड एंड मोबाइल फ़ोन के लिए जारी भी किया गया था। दोस्तों फिल्म को 6 जुलाई 2016 को फिल्म की डिजिटल यानी कि कॉपी जो है यानी कि डार्कनेट में उपलब्ध होने की सूचना मिली थी और इस बात की पुष्टि करते हुए कि निर्माताओं द्वारा साथ ही CBSP बोर्ड को समीक्षा के लिए भेजे गए थे इंसाती नमूने से प्रति लीक बनाई गई थी कि लीक की यानी कि जांच कर रहे थे और साइबर अपराध जो है इनके विशेषज्ञों ने कहा था कि उनके साथ रिसाव की पुष्टि हो गई है और फिल्म की प्रति यानी कि उनके साझा डार्क नेट पर उपलब्ध है। बता दें दोस्तों और जल्द ही यानी कि यह मूवी होगी कि टोरेंट और साथ ही यानी कि टोरेंट पर उपलब्ध है। हालांकि फिल्म के निर्माता यशराज फिल्म ने इस तरह के विकास से इनकार कर दिया था और एक निजी यानी कि अनुवेश के साझ यानी कि किस लय चौधरी ने दावा किया था कि यह फिल्म 2 घंटे और 36 मिनट लंबी फिल्म के लिए एक उपलब्ध है और उनके साथ जो है मेल टूडे के साथ जो है यानी कि उसका और स्क्रीनशॉट जो है साझा किया गया था और सुल्तान फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने ये कहा था कि जितने भी वेबसाइट पे इस फिल्म की लीक है वहां से इन सभी को हटा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सुल्तान मूवी की हिस्टोरी के बारे में और जानते हैं फिल्म की कहानी कैसी लिखी गई थी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस फिल्म की कहानी को जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सुल्तान मूवी की कहानी स्टार्ट होती है सुल्तान अली खान से जो एक मध्यम आयु वर्ग के स्थानीय पहलवान इंसान है और पूर्व कुश्ती चैंपियनशिप में रहते हैं जो कि हरियाणा के एक छोटे से शहर में रेवाड़ी में उनका एक यानी कि एकांत जीवन जी रहे होते हैं। बता दें दोस्तों श्री पटेल द्वारा समर्थित की गई एक निजी मिश्रित जो है मार्शल आर्ट लीग के संस्थापक जो है आपका और साथ ही ओबरॉय को उनके पिता द्वारा जो है सुल्तान की लोकप्रियता को बचाने के लिए भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और हरियाणा की एक यात्रा करने के बाद वह सुल्तान को भर्ती का प्रस्ताव देते हैं जो कि स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह कुश्ती से पूरी तरह से यानी कि सेवानिवृत्त हो गए हैं और अपनी जो है कि सेवानिवृत्त के पीछे के कारण की तलाश में आकाश सुल्तान ने करीबी दोस्त यानी कि गोविंदा का सामना करने के लिए कहा जो कि बताते हैं कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ था। अब सुल्तान की करियर को बताया जाता है फिल्म एक बार फ्लैशबैक में चला जाता है 2008 में सुल्तान को एक राज्य और साथ ही स्तरीय पहलवान और एक स्थानीय कुश्ती कोच की बेटी जो है कि आरफा हुसैन से प्यार हो गया था। हालांकि वह शुरू में उसके प्रति यानी कि ठंडी हो जाते हैं। 8 साल पहले की कहानी को फिल्म के अंदर बताया जाता है आरफा हुसैन से सलमान खान प्यार करने लग जाते हैं उसके प्रति ठंडे भी हो जाती है लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। बता दें दोस्तों जब वह दावा करती है कि वह प्रतिबंध होते हैं तो वह उसका यानी कि अपमान करती है और कहती है कि वह केवल एक यानी कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और पहलवान से शादी करेगी अपना यानी कि सामना जीतने के लिए दृढ़ और साथ ही संकल्प। सुल्तान खुद को गहन इंसाती प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है और अंततः एक राज्य इंसाती स्तरीय कुश्ती के साझा टूर्नामेंट जीतते हैं। साथ ही साथ यानी कि आरफा भी दोनों शादी कर लेते हैं और विभिन्न यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मान्यता प्राप्त यानी कि पहलवान बन जाते हैं।
जब दोनों को लोकप्रियता दल के लिए चुना जाता है तो आरफा को पता चलता है कि वह यानी गर्भवती है। वह भारत के लिए और साथ ही ओलंपिक जो यानी स्वर्ण पदक जीतने के अपने बचपन के सपने को छोड़ देती है। इसे जो है सुल्तान तब पूरा करता है। उसे आश्चर्य होता है कि सुल्तान की उपलब्धि उसे जो है घमंडी बना देता है और वह एक यानी कार्यक्रम में एक रिपोर्ट को थप्पड़ मार देती है, एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वह तुर्की में साथ ही स्वर्ण जीतने के लिए आरफा को उसके जो है नियम उसकी नियत तारीख के करीब जो है इनकी छोड़ देता है। वहाँ से लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके जो है इनके नवजात बेटे की गंभीर इंसाती रक्तपालता के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। बच्चे के पास एक यानि दुर्लभ ओ के साथ जो है रक्त प्रकार था जो कि सुल्तान के सामना करना पड़ रहा था, जिसकी जो है इनकी अनुपस्थिति ने बच्चे को यानि कि डाटा से और साथ ही वंचित कर दिया था। और गुस्से में आरफा सुल्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है और अपनी पत्नी और बच्चों को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का यानी कि ब्लड और साथ ही बैंक खोलने के लिए धन जुटाता है, जहाँ पे उसके बच्चे जी सके और जितने भी उस तरह के बच्चे हैं उनको दवा मिल सके। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों सलमान खान की कहानी कुछ इस तरह से इस फिल्म में बतलाई गई है। फ्रेंड इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सुल्तान। दोस्तों अगर आप लोग सुल्तान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बतलाइएगा। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं। बता दें दोस्तों आज के समय में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के पुरस्कार शबी बोल्ट के साथ जो है बैंक खोलने के उसके सपने को पूरा करेगी। सुल्तान वहाँ से भाग लेने के लिए उस हिस्सा में भाग लेने के लिए सहमत हो जाते हैं और दिल्ली में साथ ही प्रशिक्षण के लिए यात्रा भी करना शुरू कर देते हैं, जहां पे आकाश उसे जो है कि एमएम को यानी कि एमएमए को कोच कहते हुए और फतेह सिंह के साथ जो है इनकी मिलवाते हैं, जो शुरू में उसे मना कर दिया है कोचिंग करने के लिए, लेकिन उसकी यानी कि दृढ़ एंड संकल्प को देखने के बाद जो है सहमत हो जाते हैं। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद जो है सुल्तान अपनी काया को वापस पा लेता है और उसके साथ सीखता है कि उनके साथ जो इनकी फ्री स्टाइल में कुश्ती कैसे की जाती है। और अपनी पहली यानी कि लाइन में सुल्तान ने अपनी जो है प्रतिष्ठित कुश्ती शैली का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को हरा दिया था और वह जल्दी मोची की यानी कि एक श्रृंखला और साथ ही जीत कर और इसी प्रक्रिया में आरफा का समर्थन यानी कि हासिल करते हुए दिखाई दिए थे और एक राष्ट्रीय व्यापी यानी कि सनसनी खेज बन जाती है। सलमान खान इस फिल्म में एक मुकाबला जीतने के बाद प्रतिद्वंदी टायरन एंड बुडली के खिलाफ जो है यानी कि सेमीफाइनल के दौरान जो है सुल्तान और साथ ही लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताया जाता है कि सुल्तान को दोबारा युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं यानी कि ऐसा करने से इनकी जान न चली जाए, उसकी चोट जो है इनकी घातक हो जाएगी। और आरफा यानी कि बोर्ड में आती है और उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। बता दें दोस्तों सेमीफाइनल मैच के दौरान जो है सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपने जो है दर्द पर काबू पा लेता है और अंत में टूर्नामेंट जीत जाता है और अपनी पत्नी के साथ फिर से सुल्तानपुर यानी कि चला जाता है। इसी के साथ सुल्तान को पुरस्कार दिए जाते हैं उपयोग करके यानी कि ब्लड बैंक खोलता है और आरफा कुश्ती शुरू करती है। कुछ साल बाद वह एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसे सुल्तान पहलवान के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। तो दोस्तों ये है सुल्तान फिल्म की कहानी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप सुल्तान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। सुल्तान फिल्म वॉज द रिलीज ऑन वर्ल्ड वाइड ऑन 6 जुलाई 2016। इट इज़ द हाइएस्ट ग्रॉसिंग 623 करोड़ इन द यूएसए कन्वर्ट टू द 93 मिलियन वर्ल्ड वाइड क्लब। सुल्तान अली खान इज द मिडिल एंड एज द लोकल इन्वेस्टर एंड इज द इन्वेस्टिंग द एंड कॉम्पियन एंड द चैंपियनशिप लिविंग द एनोली एंड लाइफ इन द स्मॉल टू द ऑफ द इन रोवरी इन हरियाणा इन द हरियाणा आकाश ओवर टू द एंड फाउंडर द ऑफ द इन प्राइवेट मिक्सिड द एंड मटेरियल आर द एंड लिक्विड इन बिकेट बाय द मिस्टर पटेल एंड द इको नॉरिश बाय द एंड फादर टू द एंड रिकल द सुल्तान टू बी इन सेल्वेज इट इज द एंड पॉपुलरिटी आफ्टर द एंड ट्रेवलिंग टू बी इन हरियाणा ही द एंड गिव द एंड द रिक्रूटमेंट ऑफिसर टू बी सुल्तान हु द एंड ऑन द ही ब्रेटनी एंड रिफर टू द एंड साइज टू बी हिज द एंड कम्प्लीटली एंड रिटायर्ड फ्रॉम द इनवेस्टेड द एंड सर्च ऑफ द एंड रीजन द बेहन ही the in retirement the Akash and confirmed the Sultan is the in close friend Govind
क्लोज फ्रेंड गोबिन हुदा एंड नरेटेड हाउ इज द सुल्तान इज द करियर बिगेन इन द दिस टाइम एंड करियर बिगेन इन 2008 द सुल्तान फेल इन लव विद द एन साइड ऑफ द आरफा हुसैन एज द इज द लेवल द इन्वेस्टर एंड डॉटर ऑफ द एन लोकल द इन्वेस्टिंग द कोच एंड अल्थाउ हिज द एन सी इंटीरियली कोल्ड द एंड टोन ऑफ हिज द एन एक्सेप्ट सुल्तान हिज द फ्रेंड व्हेन ही द एन क्लाइम टू एंड एरी द एन कमिटेड द सी हिज द इंसल्ट हिम द एन सेइंग सो वर्ल्ड बी ओनली मेरी will be entered the invested the and determined to be win the and respect sultan the and dedicated the himself to be and interest the and training to be and ultimately wins in sultan the and level the and resting the and tournament the all the will arifa the to get the and merit the and because the and recognize the and invested the and replant the india is the and various international games win the and two are the and selected from the and olympic the and conto and the conto nation the arfa and discover the and pregnant in the pregnancy the and give up the hair the childhood dream of the and winning an olympic the and gold medal for the india with the sultan thindi and full time to hair the and surprise sultan is the and an acclimation make he the and orge in the and arogan he is the and slept the and reported to be an event the also the and level the and arfa and nearing hair the do you dare to be win the gold at the and turkey open the returning is the fine to be thread the and newborn son had the and bad to you to his the and sever the and anemia severe anemia the body had the and rear the o blood type is the and identity is the identical to be sultan hit the and quiz the and at sense is the and deprived to be chill of the endo hit the denote the and aggress to be an arfa and decide to be and leave the sultan the and decide to be with the and father and depressed to be and from the and lodging hit the wife is the soul and the chill sultan the and is found to be an open a block open a and the blood bank of this is the son name is the son Sultan in the present day the in Akash the in promise Sultan thread the and tournament in prize money will be and fulfill his the and dream of the in opening to and blood bank Sultan the agreed to be and participated and the and travel to be entered in Delhi where the Akash introduced the to him to MMA and coach the and Fateh Singh with the entirely and refused to be him but the and agree after the and saying his the and determination after 2 months of the intent to be Sultan the and regain to his the and Faisuki is the learning how to and rested the and in free style in his the and frost fight the sultan and defeated to be an opening to and using his the and iconic use the and oriental style he is the son and become his the and neat white to be an sensation of the winning his the and series of the major and his the gain in arfa in support in the end process with the and during to be and semi final round of the again and opened to be turned to the widely and sultan wish to be and fight is the and severely injured to be and in the hospitalized is the end doctor the in from to be Akash the sultan and soul of the fight again in last hit the in journalist to be in become the end for end the in fatal arfa is the in arrived to be ward and the and motivate to his the and continue the fight his the enduring to final match is the sultan the and overcome his the end pain to be in defect to be is the opening to and ultimately win the end tournament the end reunited with the wife the sultan opened the and blood bank using the and prize money and arfa the resumed the investing to be a few years later give the and birth to be in baby girl with the sultan and begin to be entered as the investor his the movie sultan movie is the october 2015 third the and report of the american actor the and silverstar stone his the began cast in the movie film as the salman khan on screen the coach however the and raja mukherjee the expect to be in producer of the film and cleared that Teddy and Estlon will be not be acting in the film and later the Sanjay the Swast the and remote to be play the role of the and coach the and according to be Salman Khan is the instead to be however Salman Khan and later the and reported to be and never the and instead to be Aditya Chopra for the and Sanjay the of the movie In December 2015, Randeep Hooda was the and later the signed to be played the Salman Khan coach of the movie.
द फिल्म इज द अमीन साथ ऑफ द किया पोची इज द फेम वॉज द एंड रिपोर्टेड द इंसिग्नेट फॉर द रोल ऑफ द यंग सुल्तान हाउएवर इन मार्च 2016 ही द कन्फर्म टू बी इज द एंड प्लेइंग द रोल ऑफ द सलमान खान इज द यंग ब्रोदर एंड एमएमए फाइटर द एंट्रिंग इन द ट्राइंग टू वर्ल्ड हिज द एंड बिगिन टू बी सिग्नेट द एंड अपोजिट सलमान खान विद द एन अदर फाइट इन दी मूवी फिल्म इन जनवरी 2016 अनुष्का शर्मा वॉज द सिग्नेट टू प्ले द फिल्म हिज द लीड रोल एंड ऑपोजिट द सलमान खान फॉर हेयर द रोल इज द एन वेस्टर्न एंड शर्मा टुक द एन वेस्टिंग टू बी एन लिसन फॉर द फिल्म इन द फरवरी 2016 बेस्को एंड किशोर वेयर द एन सिग्नेट टू बी एन कोरियोग्राफर ऑफ द फिल्म एंड रिप्लेस द एन भाई वी एन मचंडी हु द एंड लिव द फिल्म ड्यू टू द एन पर्सनल एंड कमिटमेंट द प्री प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म स्टार्ट ऑन अक्टूबर 2015 वेयर द सलमान खान एंड पोस्टेड टू द एन फोटो ही द एंड द क्रिएटर द इन ऑन द फेसबुक एंड प्रिंसिपल फोटोग्राफर ऑफ द फिल्म एंड स्टार्टेड इन द डिसम्बर 2015 एंड द एन डी स्टूडियो द एन करचात विज द एन जी डब्ल्यू एंड मेरियट ऑफ द मुंबई वेयर द फिल्म इज द एन फर्स्ट शेड्यूल वॉज द फिल्मिंग ऑफ द फर्स्ट इन शेड्यूल हैड द एंड कम्प्लीटली इन द लेट एंड डिसम्बर 2015 एंड द फिल्मिंग of the and second schedule was the and started in the January 2016 where the and Salman Khan फ्रेंड जैसे कि आप लोग को पता है आज के इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है सुल्तान फिल्म को जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों सुल्तान फिल्म ने 2016 में सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फ्रेंड अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे अली अब्बास जाफर सर ने और फिल्म की कहानी भी अली अब्बास जाफर सर ने ही लिखे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो आदित्य चोपड़ा सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था और फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है सलमान खान अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे। दोस्तों इस फिल्म को यशराज फिल्म के बैनर के तहत प्रोडक्शन बनाई गई थी और फिल्म को इसी बैनर के साथ रिलीज किया गया था। जैसे कि आप लोग को मैंने कई सारे वीडियो में बताया है यशराज फिल्म के बैनर के तहत बनने वाली फिल्म आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म को 145 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में 623 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये मूवी 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड सी यू सून।